आप सभी के साथ भारत देश की एक बहुत गंभीर समस्या के बारे में बात करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे भारत देश में जो रईत नागरिक हैं, शेतकड़ी नागरिक हैं, उनके सामने बहुत गंभीर समस्या है। और समस्या ये है कि प्रतिवर्ष हमारे देश में सहसहस्राधिक रईत नागरिक आत्महत्या करते हैं। लास्ट ईयर करंट सार्वजनिक वर्ष में हमारे भारत देश में 78 सार्वजनिक नागरिकों का आत्महत्या हुआ। करंट सार्वजनिक मूल वर्ष में 79 सार्वजनिक नागरिकों का आत्महत्या हुआ। करंट सार्वजनिक वर्ष में 100,000 रईत नागरिकों ने आत्महत्या की। प्रतिवर्ष हमारे देश में रईत नागरिक आत्महत्या करते हैं, उसका कारण क्या? इस विषय पर लास्ट 100 वर्ष से मैं थोड़ा अभ्यास करता हूं, हमारे रईत नागरिकों की जो समस्या है, और जो मैं अभ्यास किया उससे मुझे जो माहिती हुआ वो ये कि हमारे रईत नागरिकों का जो कृषि उत्पादन खर्च है वो जास्ती से जास्ती बढ़ रहा है। लागत खर्च, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उनका जो आमदनी है, इनकम है, आय है, वो कम से कम होता चला गया। खर्चा जास्ती है, आमदनी कम, एक्सपेंडिचर जास्ती है, इनकम बहुत कम। जब भी किसी व्यक्ति का या परिवार का या समूह का खर्चा जास्ती होता है, आमदनी कम होता है, तो उसको आर्थिक समस्या होती है। और वो आर्थिक समस्या जब बहुत भयंकर होती है तो वो व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। हमारा रईत नागरिकों के साथ यही हो रहा है। प्रतिवर्ष उनका उत्पादन खर्च, लागत खर्च जास्ती से जास्ती बढ़ रहा है। उत्पादन खर्च जास्ती होने का कारण क्या है? हमारे जो रईत नागरिक हैं, जो फार्मर्स हैं, वो यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट, रासायनिक गोबर यूज करते, प्रयोग करते, और भारत देश की सरकार प्रतिवर्ष यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट का कीमत बढ़ाती जाती है, उसका कीमत बहुत जास्ती होता है। कारण क्या है? यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट को टैक्स जास्ती होता है और उसको सब्सिडी कम हो जाता है। अभी टैक्स जास्ती होता है तो वस्तु महंगी होती है, सब्सिडी कम होता है तो भी वस्तु महंगी होती है। तुम्बत एड वर्ष में भारत देश में बंद पैकेट यूरिया 71 रुपए में मिलता है 1992। 50 किलोग्राम यूरिया 71 रुपए में, अभी 2005 वर्ष में सेम 50 किलोग्राम यूरिया मिनिमम एरडनूर 60 रुपए में है। अर्थात लास्ट 100 वर्ष में या 13 वर्ष में यूरिया का कीमत मिनिमम 300% तो बढ़ गया, 300 से 400%, 300 से 400%। अभी यूरिया का कीमत तो जास्ती हुआ लेकिन किसानों का जो इनकम है उसका तो कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ। इसी तरह से डीएपी कीमत बहुत जास्ती हुई, सुपर फॉस्फेट कीमत जास्ती हुई, रासायनिक कृमिनाशक, कीटनाशक का कीमत बहुत जास्ती हुई, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और कृषि का कार्य में जो मदद करने वाला बीज है, सीड्स है, बियारण है, तो उसका भी कीमत बहुत जास्ती हुआ। किसानों के काम आने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बहुत महंगा हुआ, डीजल बहुत महंगा हुआ। हतुम्बत नूरा तुम्बत एरड वर्ष में भारत का रईत नागरिक को 7 रुपए लीटर डीजल मिलता है,
अभी डीजल 70 रुपए लीटर हो। तो कृषि कार्य में जो भी वस्तु प्रयोग होती है वो सभी महंगी 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 हो रही है, उसका कीमत जास्ती हो रहा है और किसान का जो इनकम है वो बहुत कम हो रहा है। ये कारण तो हमारे देश के रईत नागरिकों के आत्महत्या करने का। हमारे जो रईत वर्ग के नागरिक हैं वो क्या करते हैं, जब भी उनका इनकम कम है, खर्चा जास्ती है, वो बैंक से साल लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से साल लेते हैं, फिर साल का बड्डी पे करते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो साल का बड्डी होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला होता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं। तो जो मूलधन होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उससे जास्ती बड्डी होता है। तो फिर कृषि कार्य में इनकम तो कम है, साल तो ले लिया, बड्डी तो पे करना है, फिर कभी कभी तो बड्डी पे करने के लिए भी पैसा नहीं है, तो फिर बैंक वाले रिकवरी करते हैं। और रिकवरी में जो बदनामी होता है, बेइज्जती होता है, उससे बचने के लिए रईत नागरिक आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। ये तो है हमारे देश का दुष्चक्र। अभी मैं इसका बहुत दिन से सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ कि इसका परिहार क्या, रईत नागरिक को सुसाइड ना करना पड़े, उसका परिहार क्या। तो भारत सरकार का तो बहुत सारा मंत्रियों को मैं ये प्रश्न किया कि हमारा देश का रईत नागरिकों को सुसाइड करना पड़ता है, इसका परिहार क्या। वो कहते हैं हम जास्ती लोन देंगे, लेकिन जास्ती लोन देने से तो समस्या का परिहार नहीं, समस्या और जास्ती होगी। दूसरा तो कुछ परिहार हो सकता है, वो ये कि कृषि का जो लागत खर्च है, उत्पादन खर्च है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये तो कम हो जाएगा, तो इसका कुछ परिहार हो सकता है। अर्थात यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट का जो कीमत है, मार्केट प्राइस है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसी तरह डीजल का कीमत कम हो जाएगा। इसी तरह हमारे कृषि कार्य में काम आने वाला जो सीड्स है, बियारण है, उसका कीमत कम हो जाएगा, तो कुछ परिहार हो सकता है। लेकिन हमारा देश में अभी कोई कीमत कम होने का चांस नहीं, क्योंकि भारत सरकार इतना जास्ती टैक्स लगाया है कि कोई भी वस्तु का कीमत कम होने का चांस नहीं। अभी तो प्रतिवर्ष नया नया टैक्स आता है इस देश में। अधिनालक टैक्स तो पहले से है और अभी एक नया टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और आ गया है, अभी हदनाइज टैक्स हो गया इस देश में। तो कीमत कम होने का चांस नहीं है, क्योंकि टैक्स बहुत जास्ती। तभी तो फिर दूसरा उपाय क्या है, परिहार क्या है। अभी दूसरा एक परिहार है कि हमारा जो रईत नागरिक है वो कृषि कार्य करने का जो पद्धति है, जो टेक्निक है, उसको बदल करे, उसको चेंज करें, और ऐसे पद्धति से कृषि कार्य करें जो पद्धति में यूरिया डीएपी का प्रयोग करने का आवश्यकता नहीं। तो एक ही ऑप्शन है, एक ही परिहार है, वो ये कि हमारे भारत के सभी कृषि कार्य करने वाले रईत नागरिक सावयव कृषि करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। सावयव कृषि में यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट का आवश्यकता नहीं। सावयव कृषि में एंडोसल्फान, मेलाथियन, पैराथियन का आवश्यकता नहीं। सावयव कृषि में जास्ती कोई भी वस्तु का आवश्यकता नहीं। हमारा गांव में, हमारा नगर में जो भी कुछ उपलब्ध है उसी का मदद से सावयव कृषि होता है। ये बात जब भी हमको समझ में आ गए तब हम लोगों ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया और भारत देश में सावयव पद्धति से कृषि कार्य करके हम इनकम कर सकते हैं, जास्ती इनकम कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट मैं किया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मेरा हल्ली में किया, मेरा गांव में किया, मेरा कृषि भूमि में किया। मेरा जिला उत्तर प्रदेश में अलीगढ़,
वहां पर हम लोगों का जो पारिवारिक कार्य है वो कृषि कार्य है। मेरा ताई मेरा तंदे दोनों कृषि, दोनों रहित नागरिक है। मेरा अज्जी अज्जोबा सभी रहित नागरिक है। हमारा फैमिली में वंद नूर एकड़ भूमि, हमारा फैमिली संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली। मेरा जो तंदे है उसका नाल ब्रदर्स हैं, सभी जॉइंट फैमिली। तो सभी मुझे जब ये समझ में आया कि सावयव कृषि करने से रहित वर्ग की समस्या का परिहार हो सकता है, तो मैं स्वयं मेरा कृषि भूमि में सावयव कृषि प्रारंभ किया। जब भी मैं सावयव कृषि प्रारंभ किया तो बहुत सारा भारत देश का नागरिक बंधुओं ने मुझे बोला कि आपको तो लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा, उत्पन्न नहीं आएगा, जास्ती उत्पन्न नहीं आएगा, आपका तो पूरा पैसा इसमें डूब जाएगा, कुछ इसमें रिटर्न नहीं आएगा, ऐसा ऐसा बहुत लोग मुझे बोला। मैं उसको बोला ठीक है, डूबने का डूबने दो, अभी तो ऐसे ही डूबता है, यूरिया डीएपी में डूबता है, एंडोसल्फान मेलाथियन में डूबता है, क्योंकि जब भी मैं यूरिया डीएपी जास्ती प्रयोग करता था तो सारा पैसा तो यूरिया डीलर के घर में जाता है। और यूरिया डीएपी जास्ती प्रयोग करने से जंतु जास्ती आता है, कृमि जास्ती आता है, तो कृमि को नाश करने के लिए कृमिनाशक डालते हैं, उसमें पैसा जाता है। मैं सोचा डूबेगा तो डूबने दो, सावयव कृषि कर लो। तो सावयव कृषि जब भी मैं फर्स्ट टाइम किया 1992-93 में, तभी मैं पहले वर्ष में तो मुझे थोड़ा भी लॉस नहीं हुआ, वंद ग्राम प्रोडक्शन भी कम नहीं हुआ, उत्पादन कम नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर में पहले वर्ष में उतना ही उत्पादन हुआ जितना यूरिया डीएपी का रासायनिक कृषि का प्रयोग करने से होता था। रासायनिक गोबर प्रयोग करने से जो प्रोडक्शन होता था सेम प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में सावयव कृषि से हुआ, अर्थात मुझे लॉस नहीं हुआ, हानि नहीं हुआ। सेकंड ईयर अरेग्ने वर्ष में जब भी मैं किया तो थोड़ा स्वल्प जास्ती उत्पादन उत्पन्न हुआ। मूरने वर्ष में और जास्ती उत्पन्न हुआ। नालकने वर्ष में उत्पन्न 25% जास्ती हुआ, 25%। अईदने वर्ष में 50% उत्पन्न जास्ती हुआ, 50%। नालकने वर्ष में और जास्ती हुआ और हत वर्ष में मेरा उत्पन्न 150% जास्ती हो गया, वंदनूर 50%। और अभी उत्पन्न कितना हुआ, हत्तुम्बत्तूरा वर्ष में मैं वंद एकड़ कृषि भूमि में 20 क्विंटल अक्की उत्पन्न करता था। हमारा भूमि में वंद एकड़ कृषि भूमि में 20 क्विंटल अन्न उत्पन्न होता था, अक्की उत्पन्न होता था। अभी सावयव कृषि करने से सेम वंद एकड़ भूमि में 33 क्विंटल अक्की उत्पन्न होता है। तो उत्पादन जास्ती होता है, कम नहीं होता। इधे रीति है 12 वर्ष मुंचे मेरा वंद एकड़ भूमि में 4 क्विंटल कॉटन होता था। अभी सेम वंद एकड़ भूमि में सावयव कृषि से 7 क्विंटल कॉटन होता है, कॉटन का उत्पन्न जास्ती। हम लोगों ने सावयव कृषि का प्रयोग सभी क्रॉप में किया, तुअर दाल में किया, उड़द दाल में किया, तिलहन में किया, दलहन में किया, वेजिटेबल्स में, सोप्पू में, सभी में किया, सभी में उत्पन्न जास्ती हुआ, उत्पन्न कम नहीं होता। तो मुझे माहिती हुआ सावयव कृषि करने से उत्पन्न कम नहीं होता। बहुत बड़ा भारत देश में ये कन्फ्यूजन है, बहुत जास्ती लोगों को भ्रम है कि उत्पन्न कम ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सावयव कृषि करने से उत्पन्न जास्ती होता है, खर्चा कम ही होता है, उत्पन्न कम ही नहीं होता, खर्चा कम ही होता है।
और कितना खर्चा कम नहीं होता है। यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट का जो खर्चा हम करते थे वो अभी हमारा 90% कम हो गया, तुम मत सकना। और यूरिया डीएपी खर्चा कम होने से एंडोसल्फान मेलाथियन जो कृषि कृमि नाशक है, कीटनाशक है, जंतुनाशक है, उसका खर्चा कमी हो गया। तो सावयव कृषि में खर्चा कमी होता है, उत्पन्न जास्ती होता है। और सावयव कृषि में दूसरा सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, नीर का आवश्यकता बहुत कम होता है, जास्ती नीर आवश्यकता नहीं होता। रासायनिक गोबर जब भी प्रयोग करते हैं तो नीर का आवश्यकता जास्ती होता है, सावयव कृषि में नीर का आवश्यकता जास्ती नहीं होता, बहुत कम नीर में बहुत अच्छा क्रॉप होता। और तीसरा, सावयव कृषि करने से जो भूमि है उसका सुपीकता बहुत अच्छा होता है, फर्टिलिटी बहुत अच्छा होता है, प्रतिवर्ष उसका सुपीकता जास्ती होता है, बढ़ता है। तो ऐसा तो सबसे जास्ती लाभ तो मैं लेके देखा। और अभी एक्सपेरिमेंट करते 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 तो मैं यहाँ तक पहुँच गया कि हमारे पास 1-2 एकड़ भूमि है, सावयव पद्धति से हम कृषि करें तो 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए नेट इनकम उससे हो सकता है। 1-2 एकड़ कृषि भूमि में 1.5 लाख रुपए नेट इनकम हो सके, इतना तो ताकत है सावयव कृषि। अभी इसमें करना क्या है सावयव कृषि में, सावयव कृषि का सबसे पहला जो पार्ट है वो तो भूमि को सुपीक बनाना, जास्ती से जास्ती भूमि को सुपीक बनाना, फर्टिलिटी उसमें जास्ती लाना। भूमि को सुपीक बनाने के लिए क्या वस्तु का आवश्यकता होता है, भूमि को सुपीक बनाने के लिए एरिड वस्तु जो आवश्यक है, वंदु हसु मूत्र हसु संगणी, एरिड वस्तु ये ले। जो भी वृक्ष होते हैं उसका जो पत्ता टूट के गिरता है, जो लीव्स हैं, जो ये ले, वो तो बहुत आवश्यक है। बस 2 वस्तुओं का आवश्यकता होता है, वंदु हसु संगणी हसु मूत्र, सेकंड बेविन यले, एक्की यले, कोई भी वृक्ष का यले। अभी इसमें करना क्या होता है, हमारा भूमि को कुछ भी हम जब उत्पन्न करते हैं तो भूमि में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, कोबाल्ट, मैग्नीज, मैग्नीशियम आदि आदि 16 सूक्ष्म पोषक तत्व भूमि में होते हैं। जब भी कोई क्रॉप भूमि में उत्पन्न होता है, कोई भी बीज, कोई भी सीड्स को जब हम जर्मिनेट करते हैं, उत्पन्न होता है, तो भूमि से पोषक तत्व ग्रहण करता है। और कोई भी जो प्लांट होता है, पौधा होता है, वो भूमि से मैक्सिमम 51 दिवस सूक्ष्म पोषक तत्व ग्रहण करता है, 21 डेज सिर्फ। नंतर उसका लीव्स बन जाता है, यले डेवलप हो जाता है। और जब भी किसी प्लांट का लीफ डेवलप हो जाता है तो वही प्लांट सूर्य प्रकाश से पोषक तत्व ग्रहण करता है। 21 डेज तक, 51 दिवस तक तो वो भूमि से ले पोषक तत्व लेता है, नंतर सूर्य प्रकाश से लेता है। तो भूमि में पोषक तत्व का अगर मात्रा संतुलित है तो वो अच्छा भोजन उसको मिलेगा, तो प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा, प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा तो प्रोडक्शन जास्ती होगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि भूमि में पोषक तत्व का संतुलन रहना आवश्यक है। अभी पोषक तत्व को संतुलित रहने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सभी वस्तु आवश्यक है। और ये वस्तु को भूमि को देने का ताकत सबसे जास्ती हसु संगणी हसु मूत्र में है।
क्योंकि हसु संगणी हसु मूत्र में कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन सिलिकॉन कोबाल्ट नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश आदि सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो सावयव कृषि का सबसे पहला प्रिंसिपल भूमि को हसु संगणी हसु मूत्र जास्ती से जास्ती देना, स्प्रे करना। एंड सेकंड प्रिंसिपल, जो भी वृक्ष के यले टूट के गिरते हैं, लीव्स टूट के गिरते हैं, पत्ते टूट के गिरते हैं, उसको भूमि में डालना, क्योंकि वो सभी में फॉस्फेट होता है, फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है। सभी जो वृक्ष के लीव्स हैं ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रखते हैं। और ये जो वृक्ष में से निकला हुआ वही तो हसु खाता है, वही तो एमए खाता है, वही तो जानवर खाता है, और उसका जो संगणी है इसलिए उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहता है। तो अगर हम हमारा सावयव कृषि में ऐसा दो कार्य करें, हसु संगणी हसु मूत्र मैक्सिमम भूमि में स्प्रे करना और जितना भी यले है वो सभी भूमि में डालना, तो हम बहुत अच्छा कृषि कर सकते हैं। इतना ही करने का आवश्यकता है और जास्ती कुछ करने का जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना ही करता हूं, मेरा कृषि भूमि हसु संगणी हसु मूत्र स्प्रे करना और मेरा कृषि भूमि को जितना भी वृक्ष है उसके जितने भी पत्ते टूट के गिरते हैं उसको भूमि में डालना। जास्ती रहित नागरिक क्या करते हैं कि ये जो वृक्ष के पत्ते टूट के गिरते हैं उसको जला दे, वो जलाना नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है, बहुत आवश्यक है। और दूसरा रहित नागरिक क्या करते हैं, कृषि भूमि से जो निकलता उसको भी जलाते हैं। उदाहरण के लिए एक की क्रॉप लिया, नीचे का जो रूट है, जड़ पदार्थ है, उसको तो जला दिया, वो तो बहुत आवश्यक है जिसको जलाते हैं, क्योंकि जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होते हैं, उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश सभी तो फिक्स होता है, क्योंकि भूमि से वो लेता है, उसमें फिक्स होता है। हम जब उसको जलाते हैं तो हमारा लॉस होता है उसमें। तो आप कभी भी कृषि भूमि से जो भी बचा हुआ रूट पार्ट है उसको जलाना नहीं, उसको वापस भूमि में डालना। और हसु संगणी हसु मूत्र डालना। अभी हसु संगणी हसु मूत्र डालने का प्रपोर्शन क्या, मात्रा, यश टू हसु संगणी यश टू हसु मूत्र, उसका तो प्रपोर्शन बहुत सिंपल है, सरल है। 1 एकड़ भूमि को 30 किलो हसु संगणी 30 लीटर हसु मूत्र, 30 किलो हसु संगणी 30 लीटर हसु मूत्र, दोनों को मिक्स करना वो प्लास्टिक ड्रम में। निरंतर उसमें 1 किलो बल्ला मिक्स करना, बल्ला या कब्बिन हाल जो भी आपके पास उपलब्ध है, कब्बिन हाल है तो कब्बिन हाल, नहीं तो बल्ला, 1 किलो। निरंतर 1.5 किलो उड़द की दाल का पाउडर, इसको कन्नड़ में क्या कहें, उड़द की दाल, उद्दिन बेड़, उद्दिन बेड़ 1.5 किलो, हाँ पाउडर बना, 1.5 किलो उद्दिन बेड़ पाउडर, 1 किलो बल्ला, 30 किलो हसु संगणी, 30 लीटर हसु मूत्र, ये 4 जो वस्तु है इसको मिलाना और ड्रम में रखना, 7 दिवस तक उसको रखना। नंतर 300 लीटर नीर मिक्स करना, 300 लीटर, और नीर मिक्स करके जो सॉल्यूशन तैयार हुआ इसको भूमि में स्प्रे करना। स्प्रे करने का तरीका क्या है, आपका पास जो स्प्रे मशीन है उस स्प्रे मशीन का वो जो नोजल है वो निकाल देना, तो नोजल निकालने से वो इजीली स्प्रे हो जाए। दूसरा तरीका है स्प्रे करने का, आप कृषि भूमि से सॉइल लेना, मिट्टी, उस मिट्टी में ये सॉल्यूशन मिक्स करना और उस मिट्टी को भूमि में स्प्रे करना। और तीसरा तरीका बहुत सरल है, जब भी
आप किसी भी फसल को, पीक को, क्रॉप को नीर देंगे, नीर सप्लाई करेंगे, वो टाइम नीर में मिक्स कर तो भूमि में चला जाएगा। तो पद्धति तो ये है, 30 किलो संगणी, 30 लीटर असुमूत्र, 12 किलो बल्ला, 1.5 किलो उद्दिन भेड़ पाउडर, ये 4 प्रोडक्ट को मिक्स करके भूमि में डालना। और ये एवरी 15th डे, 15 दिवस में बंद टाइम तो ये करना है, एवरी 15th डे। अभी सपोज करो आज 13th मे है, तो नेक्स्ट 15th डे में फिर करना, फिर 15th डे, फिर 15th। तो वंद वर्ष में 24 पट तो ये हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर वंद वर्ष नंतर आपका उत्पन्न बहुत जास्ती हो जाएगा। खर्चा इसमें कुछ भी नहीं है, हसु संगणी फोकट का, हसु संगणी का साथ हसु मूत्र फोकट का, बल्ला का बहुत चीप है, जास्ती महंगा नहीं, उद्दिन भेड़ पाउडर जास्ती महंगा नहीं, यूरिया से तो बहुत सस्ता है, यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट से बहुत सस्ता है। अभी इसमें एक और छोटा सा कार्य मैं आपको बोला कि जब भी आप हसु संगणी, हसु मूत्र, बल्ला और उद्दिन भेड़ पाउडर को मिक्स करके स्प्रे करेंगे, तभी आप जो बेविन यले, एक्की यले, जो भी कुछ आपका भूमि में है, वो सभी यले को तोड़कर भूमि में डालना, उसको छोटा छोटा पीस करके डालना। तो ये हसु संगणी, हसु मूत्र उसको मेल्चिंग में डाल देता है, उसको डिकम्पोज कर देता है, और ये जो यले डिकम्पोज होता है तो सबसे जास्ती अच्छा सुपीक मिट्टी को बना देता है। इतना सरल है सावयव कृष्ण, इसमें और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। हाँ, अभी आपका तो प्रश्न है, सपोज आपका पास हसु नहीं है तो एमए सगणी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, एमए सगणी यूज कर सकते हैं, और एमए सगणी के साथ एमए मूत्र भी यूज कर सकते हैं। और आपका फैमिली में जो भी पशु है, सपोज आपका एमए है, हसु है, शीप्स है, गोट्स है, कोई भी है, जो भी पशु है उसका संगणी यूज कर सकते हैं। यदि आप मुर्गी पालन करते हैं आपके पास, तो मुर्गी का जो संगणी है वो तो सुपर बेस्ट क्वालिटी, सुपर बेस्ट सावयव कृषि के लिए। हाँ, अभी इसमें एक ही चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हसु संगणी जब भी आप यूज करेंगे तो नाड हसु, स्वदेशी हसु संगणी अच्छा, जर्सी हसु का संगणी अच्छा है। जर्सी हसु संगणी यूज करने से अच्छा है एमए संगणी यूज करना, क्वालिटी में एमए संगणी जर्सी संगणी से अच्छा है, क्योंकि जर्सी का जो संगणी है उसमें नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है, एमए संगणी में है, तो एमए संगणी आप यूज कर सकते हैं। और आपका घर में यदि बैल को कन्नड़ में क्या कहते हैं, यत्त, तो यत्त संगणी भी यूज कर सकते हैं। हसु फैमिली का कोई भी मेंबर, एमए फैमिली का कोई भी मेंबर, उसका संगणी, उसका मूत्र यूज कर सकते हैं। यदि आपका घर में एमए हसु दोनों हैं, तो दोनों मिक्स करके यूज करेंगे तो रिजल्ट और अच्छा आता है। 50% एमए संगणी, 50% हसु संगणी, 50% एमए मूत्र, 50% हसु मूत्र, दोनों मिक्स करके यूज करेंगे तो रिजल्ट और अच्छा आता है। और सभी गांव में सामान्यतः एमए हसु तो है सभी जगह है। इसमें जर्सी हसु संगणी, जर्सी हसु मूत्र प्रयोग नहीं करना, क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, उससे प्रोडक्शन जास्ती नहीं आता, प्रोडक्शन उससे थोड़ा कम आता है, जास्ती नहीं आता, क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। आप तो देख सकते हैं जर्सी हसु का जो संगणी होता है वो बहुत ज्यादा बिखर जाता है, कलेक्ट करना भी मुश्किल होता है उसको, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत जास्ती है, जरूरत से ज्यादा है, सो
स्वदेशी हसु संगणी में ऐसा नहीं होता। तो जास्ती से जास्ती स्वदेशी हसु, स्वदेशी एमए, उसका तो संगणी यूज करके मूत्र के साथ मिक्स करके डालना है। अभी ये कार्य करने में सपोज कभी उदाहरण के लिए कीट आया, जंतु आया, तो क्या करना? तो जंतुनाशक कीटनाशक आप स्वयं बनाना। वो कैसे बनता है? 10 लीटर हसु मूत्र, 1.5 किलो बेविन बीज, 1.5 किलो एक्की एले, 1.5 किलो बेविन बीज, 1.5 किलो एक्की एले, 10 लीटर हसु मूत्र। अभी एक्की एले बेविन बीज को चटनी बनाना और हसु मूत्र में मिक्स करना। नंतर हसु मूत्र में 100 लीटर नीर मिक्स करना और नंतर स्प्रे करना, सभी कृमि का नाश करता है। यदि आपका आपके पास यदि वंद वृक्ष है, सीताफल, सीताफल को क्या, सीताफल, सीताफल वृक्ष का जो यले है ना, वो बेस्ट क्वालिटी कृमि नाश है। 1.5 किलो सीताफल यले चटनी बनाना, हसु मूत्र में मिक्स करके स्प्रे करना, सभी कृमि का नाश करता है। और मैं आपको एक सिंपल माहिती देता हूं, जो यले को हसु नहीं खाता वो सभी यले को चटनी बना के स्प्रे करेगा तो सभी कीट मर जाता है। हसु जो यले को नहीं खाता वो सभी को चटनी बना के हसु मूत्र में मिक्स करके स्प्रे करने से सभी कीट मरता है। ये तो सिंपल सरल प्रिंसिपल है, इसका हम कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हमारे गांव में तो वंद प्रोडक्ट है तंबाकू, टोबैको, वो तो बेस्ट क्वालिटी कृमिनाशक। 1 किलो तंबाकू, 10 लीटर हसु मूत्र को दोनों को मिक्स करना, 7 दिवस उसको ऐसे ही रखना, नंतर 100 लीटर नीर मिक्स करके स्प्रे करना, सभी कृमि का नाश करता है। बेस्ट क्वालिटी कृमिनाशक तंबाकू, बेस्ट क्वालिटी कृमिनाशक बेविन बीज, बेविन यले, एक्की यले। और एक तो हम लोग मराठी में उसको बेशरम कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहते हैं? गारबेल, गारबेल जिसको कहते हैं, गारबेल, गादड़, अच्छा। और वो धतूरे को क्या कहते हैं? धतूरी बोलते हैं। हाँ, तो धतूरी का जो वो बीज होता है ना, और उसका जो येले, वो बेस्ट क्वालिटी कृमिनाशक है, बहुत अच्छा है। कहीं से भी मिले तो उसको तोड़ना, 1.5 किलो चटनी बनाना, बीज का साथ चटनी बनाना, उसका बीज प्लस येले दोनों मिक्स करके चटनी बनाना, 10 लीटर हसु मूत्र में मिक्स करके नीर का साथ स्प्रे करना, तो 100% रिजल्ट, बेस्ट आता है रिजल्ट उसका। कोई भी कृमि नाश होता है, और किसी भी क्रॉप में कर सकते हैं आप, एक्की का क्रॉप है उसमें कर सकते हैं, आपका अगर कद्दू का क्रॉप है उसमें कर सकते हैं, आपको अगर ज्वारी का क्रॉप है ज्वारी के क्रॉप में कर सकते हैं, वेजिटेबल है सोप्पू का क्रॉप है उसमें कर सकते हैं, कोई भी क्रॉप में कर सकते हैं। और फॉर्मूला सेम है, 1 एकड़ भूमि को अगर कृमि नाशक बनाना, कीटनाशक बनाना, तो 10 लीटर हसु मूत्र, 1.5 किलो बेविन बीज, 1.5 किलो एक्की यले, 1.5 किलो धतूरा, हाँ, धोत्री, गुड़वड़ की, अच्छा, और ऐसा मराठी में एक छोटा सा झाड़ होता है
उसमें से रुई निकलता उसको कन्नड़ में क्या कहते हैं? मराठी में हम लोग रुई का झाड़ कहते हैं। उसमें से रुई निकलता है, वो झाड़ छोटा सा होता है, तो उसका अगर एले मिलता है वो बेस्ट क्वालिटी कृमि नाशक, कड़ली बोलते हैं, तो वो बेस्ट क्वालिटी जंतुनाशक है। और आप हमेशा एक चीज याद रखना, जो भी एले को हसु नहीं खाएगा वो सभी से कृमि नाश होता है। सिंपल फॉर्मूला, हसु को आप खिला के देखना, अगर हसु खाया तो उससे कृमि नाश नहीं होगा, हसु नहीं खाया उसको चटनी बनाना, हसु मूत्र में मिक्स करना, स्प्रे करना, सभी जंतु का नाश होता है। ये आप कर सकते हैं। तो सावयव कृषि करने में जंतुनाशक आप स्वयं बना सकते हैं, और रासायनिक गोबर यूरिया डीएपी का आवश्यकता नहीं। हसु संगणी, हसु मूत्र, बल्ला और उड़ित बेड़े, उड़ित बेड़े उद्दिन बेड़े, उद्दिन बेड़े, तो उद्दिन बेड़े पाउडर, ये चार चीजों का प्रयोग करके आपका कृषि भूमि को जास्ती से जास्ती उत्पन्न करने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये बहुत सरल है, 15 वर्ष से मैं करता हूं। अईवत सागर कृषि परिवार को, माने रईत परिवार को ये माहिती मैं दिया है, वो सभी करते हैं और सभी बहुत सुखी है। उसका जीवन का यूरिया डीएपी का खर्चा शून्य हो गया, स्प्रे करने का खर्चा शून्य हो गया, अभी नीर जास्ती लगता नहीं, बहुत कम नीर में अच्छा क्रॉप आता है और उत्पन्न जास्ती होता है, और उसका जो उत्पन्न है उसका मार्केट प्राइस भी जास्ती मिलता है। हमारा एक दोस्त है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, वर्धा के पास में, महाराष्ट्र में, वो लास्ट 7 वर्ष से सावयव कृषि करता है, कॉटन करता है, कापूस। अभी उसका जो कापूस है वो एक्सपोर्ट होता है क्योंकि वो सावयव पद्धति से उत्पन्न करता है। तो भारत में कापूस का भाव है 18 रुपए क्विंटल मैक्सिमम, 1800 रुपए क्विंटल मैक्सिमम प्राइस है। जब भी वो कॉटन एक्सपोर्ट करता है तो उसका प्राइस है 5600 रुपए क्विंटल, 5600 रुपीज क्विंटल, वो जर्मनी एक्सपोर्ट करता है और जर्मन कंपनी उसको पूरा पेमेंट एडवांस में देता है ताकि वो किसी दूसरे को नहीं देगा। कारण क्या है? वो जो कॉटन है वो क्वालिटी बहुत अच्छा आता है सावयव पद्धति से। तो आप सावयव कृषि करेंगे, प्राइस जास्ती है, उत्पन्न जास्ती है, मार्केट शेयर जास्ती है और लाभ बहुत जास्ती है, हानि उसमें कुछ भी नहीं। और मैं जब भी देखा ये करके, सावयव पद्धति से कृषि कार्य करने में हसु संगणी, हसु मूत्र जास्ती प्रयोग होता है, तो भूमि में गांडुल बहुत जास्ती होता है, येरवड़ू, और येरवड़ू जास्ती होने से वो भूमि में ऊपर नीचे घूमता रहता है। उसके घूमने से क्या होता है, वो भूमि को, जो मिट्टी है उसका, जो सॉइल है उसको पोरस करता है, वो ऐसे नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, फिर नीचे फिर ऊपर, तो ये जो छोटे छोटे वो ट्यूब्स बनाता है, कैपिलरी ट्यूब्स बनाता है, और वही ट्यूब से मलनीर अंदर भूमि में जाता है। तो मलनीर को मैक्सिमम भूमि में ले जाने का ताकत येरवड़ू का है, गांडोल का है, और येरवड़ू का संख्या जितना जास्ती होगा उतना जास्ती भूमि में नीर आता है, और जितना जास्ती भूमि में नीर आएगा उतना बाहर का नीर का आवश्यकता कमी होता है। और येरवड़ू का संख्या जास्ती होने के लिए उसको भोजन लगता है, और उसका भोजन है हसु संगणी। येरवड़ू सबसे जास्ती हसु संगणी खाता है, तो हसु संगणी उसको जास्ती मिलेगा, उसका भोजन जास्ती होगा, उसका ताकत जास्ती होता है, तो वो काम जास्ती करता है, और वो हमेशा काम करता है, कभी भी आराम नहीं करता, 24 आवर्स काम करता है। और बंधु येरवड़ू जब भी उसका डेथ होता है तो डेथ होने से पहले बंधु लक्ष येरवड़ू उत्पन्न करके वो मरता है, उसका रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट है, वो फैमिली प्लानिंग में नहीं मानता, और प्रकृति उसको बोला है कि तुम फैमिली प्लानिंग नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो जास्ती से जास्ती वो एरेवड़ उत्पन्न करके फिर वो मरता है और उससे भूमि का जो सॉइल है वो जास्ती नीर पकड़ता है, एक। सेकंड, भूमि का सॉइल सॉफ्ट बहुत हो जाता है, एरेवड़ उसको सॉफ्ट करता है, ब्रेकिंग सॉइल ब्रेकिंग करता है और भूमि का सॉइल बहुत सॉफ्ट है तो हवा, नीर और सूर्य प्रकाश तीनों को वो ले सकता है। और किसी भी प्लांट को ग्रोथ होने के लिए हवा का आवश्यकता है, नीर का आवश्यकता है और प्रकाश का आवश्यकता है, वो तीनों उसको येरवड़ू की मदद से मिलता है। तो आप जब इस सावयव कृषि करेंगे तो ये लाभ आपको होने वाला है। मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि आपका पास जो भी भूमि है उसमें मैक्सिमम सावयव कृषि करना, और पूरा भूमि में करने का हिम्मत नहीं है तो 1-2 एकड़ भूमि में करना ये साल, और 1-2 एकड़ 1.5-3 एकड़ में करना, फिर जब भी रिजल्ट आएगा तो अगले वर्ष आप सभी भूमि में कर सकते हैं। हानि कुछ भी नहीं है, लाभ ही जास्ती से जास्ती उसमें है। और मैं तो बहुत सारा रहित नागरिकों को गारंटी देता है कि आपको तो गारंटी से ये काम करना, कुछ भी हानि नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सभी जगह करके देखा है, कहीं भी हानि नहीं होगा। तो ये तो बहुत सरल सिंपल भारत का रहित वर्ग का जो आत्महत्या समस्या है उसके परिहार का तो सबसे अच्छा तरीका है। नहीं तो भारतीय रहित वर्ग इतना बेजार हो गया है, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, बैंक का साल, कोऑपरेटिव सोसाइटी का साल, जमींदार का साल, लेते 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 सब डूब गया। अभी उससे बाहर निकलने का तो सरल परिहार है सावयव कृषि। अभी ये जो मैं आपको माहिती दिया इसमें आपको कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछना, जो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो बोलना, वो कन्नड़ अभी भाषांतर करके आपको समझा देंगे। आप ये फॉर्मूला कन्नड़ में पूरा बता दो जो मैं बोला, 10 किलो संगनी, नहीं 30 किलो संगनी, 30 लीटर हसुमूत्र, 1 किलो बल्ला, 2 किलो उद्दिन बेड़ पाउडर, बस एक तो ये उनको ठीक से समझ में आ जाए ये फॉर्मूला, आप उसको कन्नड़ बता दो। आप बता दो फिर उनका कोई प्रश्न हो। जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, ರೈತರು ಯಾಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೃಷಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯೂರಿಯಾ ಡಿಎಪಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಈ ದೇಶಿ ಆಕಳನ್ನು, ಜವಾರಿ ಆಕಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಬೇಕು, ಅದರ ಸಗಣಿ 30 ಕಿಲೋ ಸಗಣಿ, 30 ಲೀಟರ್ ಅದರದ್ದು ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, 10 ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, 1 ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 7 ದಿವಸ ಇಟ್ಟು ಪಡೆದ್ರೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಳಿಹುಳ ಬೆಳೀತದೆ, ಎರೆಹುಳ ಮೆಳಿಹುಳ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಸ್ಪದ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮೆಳಿಹುಳ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವು ತಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಗ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವು 15 ಫೂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾವಂತೆ, 15 ಫೂಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ಮಾಡೋದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಭೂಮಿ ಬಾರೆ ಫಲವತ್ತ ಅಂತ ಉಳಿತದೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ನಮಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ 15 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಮೊದಲು 5% ಆಯ್ತಂತೆ, ಆಮೇಲೆ 25%, 50%, 100%, ಈಗ ಅವರು 150% ತೋರ್ತಾರೆ. 1 ಎಕರೆಗೆ ಅಗ್ದಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
कारण नम स्वतंत नाने नानु सुमार एर वर्ष नाने स्वतंत मे इवर प्रकार स्वावलंबी आधार प्रकार अब बुक स्टडी नवा कंपोस्ट गोबरमी प्रभुवर वो हेल्द प्रकार मल्टी प्रकार नोड़े नमदे मूवि जगह ना वो चील बिजोल बल के आस्पद आगे हत्या वो हनी हौस गोमूत्र उलगर तपल इवर हेल्द प्रकार इवर तपलो तंबाक रस एल मिक्समी ना स्वतंत ಹೊಡೆದಿದೆ ಒಂದು ಹನಿ ಹೊಸ ಹೊಡೆದಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬಿಳಿಜಾಳು ಕಡ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಕಡ್ಲಿ ಸಲ ಕಾಳು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಳಿಜಾಳು ಸಲ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ರೈತರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋಣ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗೋಣ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ स्पेसिफिक आप बता दो बंद एकड़ कृषि भूमि को 30 किलो हसु सगणी 30 लीटर हसु मूत्र बंद किलो बल्ला 2 किलो उद्दिन बेड़ पाउडर ये आप ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋ ಸಗಣಿ 30 ಲೀಟರ್ ಗೋಮೂತ್ರ 1 ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲ 2 ಕಿಲೋ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಆ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯೋಜಿಸಿ ಇಟ್ಟಕಾರ ಒಂದು ಎಕರೆ ಕರಗಡ ಆಗ್ತದೆ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿರಂತರ ನೀರಿನ ಅವಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಅದು ಭೂಮಿ ಕಡಿಮೆ ಇಡ್ಕೊತದೆ ನೀರಿನ ಅವಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಅಸ್ವತ್ತಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಹಲೋ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದಾಗಲಿ ಈಗ ಈಗ ಯೂರಿಯಾ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಕ್ ಹತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಂತ ಅದು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಗರ್ ಆಪ್ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕರೆಂಗೇ ತುರಂತ ಬಂದ್ ಕರೆಂಗೇ ತೋ ಭೀ ಸಮಸ್ಯಾ ನಹೀಂ ಆಪ್ಕೋ ಕರ್ನಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಎವ್ರಿ 15th ಡೇ ಎವ್ರಿ 15 ದಿವಸ ಮೇ ಯೇ ತೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಕರ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಕರ್ನಾ 30 ಕಿಲೋ ಹಸು ಸಂಗಡಿ 30 ಲೀಟರ್ ಹಸು ಮೂತ್ರ 1 ಕಿಲೋ ಬಲ್ಲ 2 ಕಿಲೋ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳು ಪೌಡರ್ ये नाल प्रोडक्ट को मिक्स करना येलु दिवस ड्रम में रखना येलु दिवस नंतर 300 लीटर नीर मिक्स करना और स्प्रे करना एवरी 15th डे करेंगे फर्स्ट ईयर में आपको सेम प्रोडक्शन आएगा जितना आप रासायनिक गोबर का प्रयोग करके प्रोडक्शन लेते हैं उतना ही फर्स्ट ईयर में आएगा सेकंड ईयर जास्ती होगा थर्ड ईयर में 25 सैकड़ा जास्ती होगा फोर्थ फिफ्थ ईयर में 50 सैकड़ा जास्ती होगा हत ईयर में हत वर्ष में 150 सैकड़ा जास्ती होगा 150% जास्ती और जब ही कृषि कृमि नाशक बनाना है कीटनाशक बनाना है तो मैंने आपको बोला जो भी यले को हसु नहीं खाता वो सभी यले को चटनी बनाना हत लीटर हसु मूत्र में मिक्स करना 100 लीटर नीर मिक्स करके स्प्रे करना सभी कृमि नाश होता है उदाहरण के लिए एक की एले हसु नहीं खाता एक की एले का चटनी बनाना हसु मूत्र में मिक्स करके स्प्रे कर तंबाकू को हसु मूत्र में मिक्स करना हसु मूत्र में नीर मिक्स करके स्प्रे करना उससे भी कृमि नाश होता है बेविन बीज को चटनी बनाना हसु मूत्र में मिक्स करके स्प्रे करना और ये सभी एक साथ भी कर सकते हैं बेविन यले एक्की यले बेविन बीज तंबाकू सभी नाल को एक साथ मिक्स करके नीर में और हसु मूत्र में स्प्रे करना एक बार में कर सकते हैं और यदि आपका घर में ताम्र पात्र उसमें मिक्स करेंगे तो बेस्ट क्वालिटी ताम्र पात्र में हसु मूत्र को पहले भरना फिर उसमें बेविन बीज का चटनी डालना एक्की एले चटनी डालना फिर ताम्र पात्र में येलु दिवस उसको ऐसे रखना या तो येलु दिवस रखना नहीं तो उसको बॉईल करना बिसी करना नंतर उसमें 100 लीटर नीर मिक्स करके स्प्रे करना सुपर बेस्ट रिजल्ट
और दूसरा तो इनको वो जो बात मैंने बोला वो आप कन्नड़ में ठीक से बताओ कि जितने भी पेड़ के पत्ते टूट के गिरते हैं वो सभी भूमि में डालना अत्यंत आवश्यक है। और जो कुछ फसल के नीचे जड़ रह जाती है उसको भी छोटा पीस करके डाल प्रति गड्ढे आ गड्ढे तगे तुकड़ी माड़ी ಅದನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿಂದ ಇದು ಏನು ಗಡ್ಡೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಗಡ್ಡೆ ಒಳಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫರೇಟು ಏನು ಏನು ಅದ್ರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಬರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಸಲ ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ತರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಿತ್ತಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬೆಳಿಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಕಲ್ಪನಾ ಅದ ಭೂಮಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಹೊಲಸಿ ಇರ್ತದೆ ಘರ್ ಸ್ವಚ್ಛ ರಹಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೇ ಘರ್ ಸ್ವಚ್ಛ ರಖೋ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಕೋ ಬೇಡ್ರಿ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಕುಳಸ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹುಲ್ಲು ಏನ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಇವು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅದ ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಕೊಳಿತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕೊಳಸ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಕುಂಭೋಜೊಳಗೆ ಕುಂಭೋಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಲಾಪುರದ ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಊರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕೋದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಲದೊಳಗೆ ಏನ್ ಯೂರಿಯಾ ಡಿಎಪಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅವ್ ಇವ್ರ ಹೊಲದೊಳಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೊಳಸಿದ್ರಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಣ್ಣು ಮಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ರೋಗ ಎಲ್ಲಾರು ಹೊಲದಾಗ ಬಂದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೊಲದಾಗ ಮಾವ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾವ ರೋಗ ಏನದಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ಅವ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೊಲದವ್ರು ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಕೊಳತದಲ್ಲ ಆ ಕೊಳದ ಹುಳುಗಳು ಅಥವಾ ಏನ್ ಜೀವಜಂತುಗಳು ಏನ್ ಬೆಳಿತಾವ ಆ ಜೀವಜಂತುಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಬರಲಾರ್ದಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಡೋ ತಾಕತ್ ಬಂತು ಅದ ಸಲ ಅವ್ರು ಯಾವ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದೊಳಗೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರಾ ಕಾಬೀಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರ ಹೊಲದೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಹೆಚ್ಚಾನೆ ಏನು ಹೊಲಸು ಹೊಲದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಹೊಲಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಬೆಳಿತಾರೆ ಈಗ ರೀ ನಾವು ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಬಹಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಡೀತದೆ ಇದೇ ನಡೀತದೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು 10 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ 15 ದಿವಸ ಅದಲ್ಲ 15 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದು 10 ದಿವಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂಗಳದಾಗ 3 ದಿವಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಲುವಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಯಾರ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಇದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ ಹತ್ರ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಅಂತ ಊರದ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲೇ ವರ್ಷ ಅವರು ಕಠೋರ ಇದು ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಟ್ಟದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಏನು ಅವ್ರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಯ್ತು ಮೊದಲೇ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಲಾಸ್ ಆದ್ರು ಅದ್ರ ಅವ್ರು ಧೈರ್ಯ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಏನು 2 ವರ್ಷ ಏನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ 3 ಪಟ್ಟು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಂದ್ರ ಹೊರಗಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ 3ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ 2ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೆಡಾಕತ್ತು ಇವ್ರು 8 ದಿವಸ ಕೆಡಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು 15 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋ ಮಾರಿದ್ರು 25 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋ ಮಾರ್ತಾರೆ ಮುಂದಾದ್ರದ್ದು ಏನದಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಮ್ಮಿ ಶಗಣಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ಮಿ ಶಗಣಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಇರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಎಮ್ಮಿ ಶಗಣಿನ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂಡಿಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕೂಡ್ರಿ ಎಮ್ಮಿ ಶಗಣಿ 2ನೇ ದಿವಸ 3ನೇ ದಿವಸ ಹೋದ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಳ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಹಾಳಾಗಿರ್ತದ ಆದ್ರೆ ಆಕಳಿಸ ಗೊಬ್ಬರ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳ ತಾಕತ್ ಅದ ಆಕಳ ಶಗಣಿ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಳ ಶಗಣಿನ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉಳ್ಕಿದ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಘು ತಾಕತ್ ಕೊಡ್ತದ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತದ ಆಕಳ ಸೆಗಣಿ ಅಥವಾ ಎತ್ತಿನ ಸೆಗಣಿ 8-8 ತಿಂಗಳಾನೆಟ್ಲೆ ಹೆಂಗ ಬಿದ್ದಿರ್ತದ ಅದಕ್ಕೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಮ್ಮಿ ಸೆಗಣಿ ನಾಳೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುದಲ್ಲ ಏನು ಅದು ಹುಳ ತಿಂದೆಲ್ಲ ಕಲಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸಲ ಆಕಳ ಸೆಗಣಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಆಕಳ ಗೋಮೂತ್ರದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಮ್ಮಿ ಇದ್ರು ನಡೀತದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನಡೀದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದರಷ್ಟು ತಾಕತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ अभी उनको पूछे कौन कौन करेंगे ये काम
अभी ये सही ही गर यावर है तरह ही की केंद्र ला ही मैं बहुत पुरे ना मारा क्या रा प्रारंभ मारते हैं क्या क्या पांच लोग करेंगे उसके बारे में तुम क्या के बारे में बताना चाहिए क्यों क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए इधर की वहाँ यारने मत ने इंजन तो रही आता जाता रहेगा इन मैन रही तो एक संडे ये ना गैट करा देते हैं तो ऐसा करार बन जाएगा आ करार तो वाला कुछ तो रही तो उड़ी हुई लेन मैंने ये लोग रही तो ना उपरा ला रही तो व्यापार तो ये लोग सहता ना अदर बगैर नहीं कुछ मैच आता रहो ये अदर याव रही तो ना रही तो सहता ना मुझे इधर ना उपयोग मार के लाना था अदर बगैर कुछ दिन कुछ मैच वो उनको बात पूरी समझ में है ना समझ में आया ये मैं अभी आपको एक इसमें और छोटा सा माहिती देता हूँ सपोज आपका कोई कोई आपके पास ऐसा झाड़ है कोई ऐसा ट्री है जिसमें कुछ फल नहीं आता उदाहरण के लिए आप उसको बहुत कोशिश करते हैं यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट सभी देते हैं लेकिन फल नहीं आता फ्रूट्स नहीं आता ऐसा बहुत बार होता है तो क्या करना उसका जो बहुत सरल परिहार मैं आपको बताता हूं मैं 4 वर्ष मुंचे गोवा गया गोवा पणजी पणजी में वंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वहां मुझे मेरा उपन्यास था WTO एग्रीमेंट गेट करार का उपन्यास तो यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर तो मुझे प्रश्न किया हमारा तो यूनिवर्सिटी में 400 यल्डीर गिड़ा 400 लेकिन फल तो नहीं आता एक भी फल नहीं आता 400 यल्डीर गिड़ा फल नहीं आता मैं उसको बोला आप तो एग्रीकल्चर डायरेक्टर है ये प्रश्न मुझे क्यों पूछ रहा है वो कहता है नहीं हमारा प्रॉब्लम उनको बाइती नहीं तो मैंने कहा मुझे आप जरा दिखाओ तो मैं वहां देखने के लिए गया तो वो क्या किया था अभी गोवा ना पणजी वहां तो ह्यूमिडिटी बहुत जास्ती है तो ह्यूमिडिटी जास्ती जहां होता है वहां नीर जास्ती नहीं देना वो क्या किया था वो सभी यर्नीर गिड़ा को वो ड्रिप इरिगेशन लगाया ड्रिप इरिगेशन और 24 आवर्स नीर उसमें सप्लाई करता है मैं उसको बोला ये बंद करो इसका आवश्यकता नहीं है कारण क्या है कारण यह है कि जो एरिया में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है नमी होता है वहां जास्ती नीर देना नहीं आवश्यकता नहीं वो बंद किया फिर मैं उसको बोला ये जो यल्डीर गिड़ा है इसका चारों ओर 1 फिट बाई 1 फिट डीप 1 फिट विड्थ का वो खड्डा खोदना चारों तरफ ऐसे ऐसे और उसमें हसु संगणी हसु मूत्र बल्ला उद्दिन बेड़ पाउडर नीर मिक्स करके भरना और उसमें जो बेवेन यले है इक्की यले है वो भी भरना सेम ऐसे और एवरी 15th डे भरना उसका ऊपर मिट्टी डालना फिर ऐसा वो स्टार्ट किया 1.5 वर्ष नंतर मैं फिर गया वहां पे मैं अभी उसको पूछा अभी क्या हुआ वो बोलता अभी बहुत फल आता है कितना फल आता है एक एक वृक्ष को एर्ड नूर यल्डीर तो आया एक एक वृक्ष और पहले वहां कुछ भी फल नहीं आता मैं उसको बोला तुमको माहिती हुआ प्रॉब्लम क्या था उसने कहा हाँ प्रॉब्लम का मुझे माहिती हुआ कोई भी वृक्ष को फल आने के लिए उसको पोषक तत्व का आवश्यकता होता है शरीर को कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा का आवश्यकता होता है ऐसे वृक्ष को भी होता है उसका पोषक तत्व जो है वो वही है जो भूमि से उत्पन्न होता है तो वो भूमि से जो उत्पन्न है वो तो उसमें डालता नहीं और वो पता नहीं क्या क्या डालता है यूरिया डीएपी वो भूमि से उत्पन्न नहीं होता यूरिया डीएपी फैक्ट्री में उत्पन्न होता है तो जब भी भूमि से उत्पन्न पोषक तत्व तो भूमि को मिलेगा भूमि का ताकत जास्ती होगा तो फल अच्छा आएगा अभी ये साल उसको 400 यल्डीर आया वंद वृक्ष को
इतना जास्ती आ। तो आपका कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो कि आपका कोई वृक्ष को फ्रूट्स नहीं आता, सपोज मैंगो ट्री है आपका, लेमन ट्री है, ऑरेंज ट्री है, ऐसा कोई भी वेविन माने यर्नीर गिड़ा है, उसको फल नहीं आता है, प्रॉब्लम करता है, तो उसको ऐसे ही करना, उसका चारों तरफ उसको 1-2 फिट डीप, 1-2 फिट विड्थ का खड्डा खोदना, उसमें हसु मूत्र, हसु संगनी, बिल्ला और उद्दिन बेड़ पाउडर वो मिक्स करके भरना, और उसमें जितने भी यले हैं, लीव्स हैं, वो सभी भरना और उसको मिट्टी से ऐसे ढक देना बस, और 15th डे में रिपीट करना ऐसे। एक झाड़ के लिए कितना क्वांटिटी? हाँ, एक झाड़ के लिए क्वांटिटी कितना? अभी एक झाड़ के लिए 7 किलो संगनी, 7 लीटर मूत्र, 200 ग्राम बल्ला और 500 ग्राम उद्दिन बेड़ पाउडर, एक झाड़ को इतना लगता है। 7 किलो संगनी, 7 लीटर मूत्र, 200 ग्राम बल्ला और 500 ग्राम उद्दिन बेड़ पाउडर और 100 लीटर नीर, इतना मिक्स करके उसको लगता है एक ट्री को, और एवरी 15th डे चाहिए वो। तो यदि आपके पास मैंगो ट्री है उसको आप अभी ये वर्ष में आप करेंगे, नेक्स्ट ईयर उसको डबल क्रॉप आएगा। नेक्स्ट ईयर आप एक एक्सपेरिमेंट करना, सपोज आपका मैंगो ट्री को 500 मैंगो आता है एक क्रॉप में, या 1000 आता है, नेक्स्ट ईयर 1500 आएगा और उसका साइज जास्ती होगा और उसका जो स्वीटनेस है वो जास्ती होगा, टेस्ट बहुत अच्छा होगा और मार्केट में बेचेंगे तो प्राइस जास्ती मिलेगा, और वो मैंगो मिनिमम 1 तिंगड़ा आप ऐसा घर में छोड़ देंगे वो खराब नहीं होगा, 1 तिंगड़ा 30 डेज खराब नहीं होगा। ये बहुत सिंपल है, कोई भी आप वृक्ष को ये कर सकते हैं, जो फ्रूट्स देता है, फल देने वाला कोई भी वृक्ष को ये सॉल्यूशन, ये परिहार आप कर सकते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कितना डिस्टेंस में वो खड्डा खोदना है, उसका तो सिंपल कैलकुलेशन है। जब भी पेड़ को सूर्य का प्रकाश आया दोपहर को 12 बजे, 11 घंटे सूर्य प्रकाश जब भी आएगा तो उसका जहां तक शेडो जाता है वहां तक उसको खोदना। शेडो को कन्नड़ में क्या कहते हैं? हाँ, तो किसी भी पेड़ का, ट्री का 11 घंटे जब भी सूर्य प्रकाश को जहां तक वो जाता है उसका छाया, मैक्सिमम लिमिट जो है वहां पर उसको खोदना, क्योंकि उसका जो रूट्स होता है वो वहीं तक होता है जहां तक उसका शैडो होता है। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है। ये जो कैनोपी होता है वृक्ष का, कैनोपी जिसको छतरी हम लोग कह सकते हैं, वृक्ष कैनोपी वहां तक डेवलप होता है जहां तक उसका रूट्स होता है। तो रूट्स को चाहिए भोजन और हम भोजन उसका स्टेम को देते हैं, तना को देते हैं, वहां से वो कुछ लेता नहीं, जो भी लेता है वो रूट से लेता है। तो रूट्स का नजदीक में आप जब ये देंगे वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसको आप कन्नड़ में जरा एक्सप्लेन कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मध्यान 12 घंटे नेरल बरतदल आ नेरल ಒಂದು ರೇಖಾ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಏನು ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದು 1 ಫುಟ್ ಬೈ 1 ಫುಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಆ ತೆಗೆದ ನೀರು ಏನದು ಗೋಮೂತ್ರ ಸಗಣಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಕಲಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತಪ್ಪಲ ಏನು ಒಣಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ತಪ್ಪಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಿಡೋದು ಈಗ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೇನು ಕೇಳಿ और कोई भी वृक्ष में कर सकते हैं जो भी फ्रूट्स देता है ಅಷ್ಟೇ
हर 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। हाँ तब तक सेम जैसे भूमि में वैसे यहाँ पे। नेक्स्ट ईयर जब भी फल आएगा वो पहले से डबल आएगा। ನಾವೆಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು और वो जो खड्डा खोदा उसमें भरना और कहीं नहीं डालना। खड्डे में डालने का और उस खड्डे में जितना भी पत्ते मिलते हैं वृक्ष के टूटे हुए वो पहले भरने का, उस पत्ते के ऊपर ये डालने का, फिर मिट्टी से उसको दबाने का, 15 डेज ऐसे ही छोड़ने का, नेक्स्ट 15 डेज फिर उसको निकाल के फिर करने का, ऐसे करने का। ये तो समझ में आया। अभी इसका पानी आप रख रहे हैं तो किसी भी ऐसे पात्र में, पत्थर में अच्छा होता है, वैसे पत्थर जहाँ पे है पत्थर की विहीर हो उसमें अच्छा होता है, पत्थर का पात्र है तो उसमें अच्छा होता है। सीमेंट तो बहुत खराब चीज है, सीमेंट तो कोई मजबूरी है तो रखिए, सीमेंट से अच्छा तो वो जाड़ा प्लास्टिक है, प्लास्टिक होता ना सिंटेक्स की टंकी और ये सब, ये सीमेंट से अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा वो भी नहीं है, सीमेंट की तुलना में वो बेहतर है, बहुत ही अच्छा, उसको तो बिना किसी में रखे पी सकते। बारिश का पानी अगर आपको मिलता है पीने के लिए तो दुनिया में उससे अच्छी कोई चीज नहीं, वो तो पानी नहीं है अमृत है। भारत में राजस्थान नाम का एक राज्य है, यहां सबसे कम बारिश होती है राजस्थान, सबसे कम, मुश्किल से 5 इंच भी बारिश नहीं होती। वो राजस्थानी लोग एक एक बूंद पानी का इकट्ठा करते हैं। आप कभी राजस्थान का प्रवास करो, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, वो एरिया में कोई गांव का घर ऐसा नहीं मिलेगा जो बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए टांकी नहीं बनाता, सबके घर के नीचे बारिश का पानी इकट्ठा करने का टांका है। तो पत्थर और चूने से बनाते हैं, पत्थर और चूना दोनों पानी को हमेशा शुद्ध रखता है। तो जब भी बारिश आती है टांका भरते हैं और पूरे साल भर वही पानी पीते हैं और कभी कावड़ नहीं होता। मैंने जो बोला ना पानी 48 मिनट में खराब होता है, ये बारिश का पानी अगर टांके में है जिसमें चूना और पत्थर है वो साल भर भी खराब नहीं होता। तो अगर नगर पालिका इतना ही कर दे कि बारिश का पानी हर शहर में इकट्ठा करे नगर पालिका और पत्थर और चूने से बड़े बड़े टांके बनाए जाए हर मोहल्ले में, वही टांके में पानी इकट्ठा करके साल भर लोगों को पीने को दे तो ना उसमें क्लोरीन डालनी पड़ेगी ना कोई केमिकल डालना पड़ेगा और वो शुद्धतम पानी वही है। अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। धरन का पानी तो उसमें बारिश का पानी थोड़ा बहुत मिलता है इकट्ठा होता है तो धरन का पानी तो ठीक ही है आप पी रहे हैं तो, लेकिन वो वही है उबाल के पीजिए। और आप ऐसा करिए कि आपके घर में थोड़ी भी व्यवस्था है अगर
तो बारिश का पानी इकट्ठे करना शुरू करिए। आपके घर में थोड़ी भी कोई व्यवस्था हो तो बारिश का पानी बेकार मत जाने दीजिए। घर पर जितना पानी टूट रहा है, गिर रहा है घर की छत पर, उतना तो जरूर इकट्ठा करें। अब कैसे करें? उसके दो तीन उपाय हैं। या तो टांका बना लीजिए बड़ा, पत्थर और चूने से बन जाएगा। टांका नहीं बना सकते तो बारिश का पानी आपके घर के नजदीक कोई एक खड्डा करके बोर जैसा 20-25 फुट का पाइप डाल के रख दीजिए और जितना पानी आता है सीधे उसमें डाल दीजिए। फिर बाद में यही पानी आप खींच सकते, बेकार मत जाने दीजिए उसको। मैंने हमारे पिताजी ने जो भी घर बनाए हैं, हमारे तीन घर हैं, एक गांव में है, एक माता पिता जहां रहते हैं और एक वर्धा में बनाया अभी, उनकी पहले से ये प्लानिंग है। हमारे घर में बारिश का एक बूंद पानी भी बाहर बेकार नहीं जाता, पूरा इकट्ठा करते हैं। अब हमने क्या किया, हमारा जहां बोर है, बोर के नजदीक में एक और बोर किया है उस, हाँ एक दूसरा बोर मारा है, लेकिन उसमें कुछ पंप वंप नहीं बिठाया, खाली बोर है और पाइप भी नीचे तक नहीं डाला, पाइप बस 2-3 फीट है, बाकी कच्चा। तो जितना बारिश का पानी आता है वो सब हम उसी बोर में डाल देते हैं। तो हमारा जो पंप वाला बोर है वो रिचार्ज होता रहता है, उसका पानी कभी सूखता नहीं, तो भी चलेगा। खड्डा लेकिन थोड़ा गहरा होना चाहिए ताकि पानी नीचे जाए, कम से कम तो मिट्टी कैसी है उस पर निर्भर करेगा। मुरुम है तो चलेगा, 3 फीट गहरा कर दो, मुरुम जहां है वहां से पानी नीचे जाता है आराम से, मुरुम के नीचे पानी आराम से जाता है। अब आपके पानी कितना इकट्ठा है एक छत पर, अगर 1000 स्क्वायर फीट है तो पाउस कितना, 10 इंच, 10 इंच से तो ज्यादा है। पूना में करीब करीब होता है 25 से 30 इंच बारिश है, तो 1000 फीट हो गया तो आपको 3 लाख लीटर पानी आएगा। 30 इंच पाउस है कम से कम पूना में, तो वो 3 लाख लीटर पानी आपका जो बोर है उसी में पूरा डाल दो, खड्डा बाजू में करके उसमें डाल दो। तब आपको खड्डा तो 2.5 फीट चौड़ा, 2.5 फीट लंबा, 2.5 फीट गहरा हो, उतना भी पूरे पानी को ले लेगा। नीचे मुरुम रहे तो वो पूरा नीचे जाएगा, सूख जाएगा उसी में, नीचे जलता जाएगा, चलता जाएगा। बस इतना करना है कि मुरुम जहां है उसके ऊपर थोड़ा बालू डालना, बालू, बालू समझ, जो समुद्र उसमें से नदी में से आती, तो पहले मुरुम फिर बालू, फिर उसके ऊपर मोटा वाला पत्थर, पत्थर आता है वो शालीग्राम पत्थर कहते हैं, एकदम चिकना चिकना गोल गोल वो पत्थर, और वो खड्डे को भर दो इससे, शालीग्राम पत्थर सबसे ऊपर, उसके नीचे बालू, उसके नीचे मुरुम, फिर पानी इसमें छोड़ो, तो ये फिल्टर होके जाएगा पूरा। और ये फिल्टर होके जो गया शुद्धतम पानी हर समय बोर में मिलेगा। तो आप समझ लो इनकी 1000 स्क्वायर फीट छत है तो इनको 3 लाख लीटर मिल गया। अब आप अपना अपना जोड़ लो, 3 लाख लीटर तो साल में वापर भी नहीं सकते आप। किसी की छत 2000 स्क्वायर फीट है तो 6 लाख लीटर हो गया। मिलाओ मत, दूसरे बोर में करो उसको, उससे थोड़ा दूर पर इसी तरह का एक दूसरा खड्डा खोद लो, उसमें भी मुरुम बालू और पत्थर, और उसमें थोड़ा चूना डाल के रखो पत्थरों के बीच में, तो नहाने का और कपड़ा धोने का पानी उसमें छोड़ दो, वो बिल्कुल आएगा, लेकिन चूना है ना तो फिल्टर होके आएगा, चूना शुद्ध कर देता पानी, कितना भी केमिकल रहे चूने से बड़ा पानी को शुद्ध करने वाला कुछ नहीं। चूना उसमें अगर आपका खड्डा 2x2 और 2x3 माने 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा है, तो 2-3 किलो चूना लगेगा। नहीं पूरा 1-6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद वो बेकार हो जाएगा, फिर दूसरा डाल देना। तो वो है। और आप जब घर बनाते हैं तो उसको ठेकेदार को बोल दो कि हमारा बारिश का पानी तो हमको इकट्ठा करना ही है, हमको ये कपड़े धोने का नहाने का पानी भी इकट्ठा ही करना है, तो वो बना के देगा। थोड़ा दूरी पे रहते हैं दोनों, एक तरफ ये एक तरफ ये। हमारे घर में भी हमने किया है, हमारा तो संडास का पानी भी हम डालते हैं बोर में, वो भी बाहर नहीं जाता। तो लगभग उससे दूरी 5-6 फीट दूर रहे, 5-7 फीट तक, 10 फीट तक तो अच्छा है, एकदम नजदीक ना रहे, क्योंकि मिट्टी बीच में रहे तो मिट्टी से अच्छा दुनिया में कोई शुद्ध नहीं करता पानी को।
खराब से खराब पानी डालो, मिट्टी शुद्ध कर देती है उसको, सब स्वच्छ करके इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के सब देशों में ये होता है, जितने भी फाइव स्टार होटल है ना, लंदन में, पेरिस में, जर्मनी में, बर्लिन में, सब जगह ये नियम है कि जितना नहाने धोने कपड़ा धोने का गंदा पानी उसी को रिसाइकिल करके इस्तेमाल करना पड़ता है। थोड़े थोड़े दिन पे वो बालू बदलते रहिए, मुरुम बदलते रहिए, नया डालते रहिए, तो भी दो तीन साल के बाद बदल दीजिए उसको। पीने वाला है तो 6-8 महीने पे बदलिए, पीने वाला नहीं है तो 2-3 साल बाद, 4 साल भी बाद बदले तो चलेगा। 20 फुट के बाद वो पानी जब फैलेगा तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अभी कई गांवों में मैंने ये भी करके देखा, 2-3 फीट का ही पाइप डालो तो भी पानी नीचे, जब हम बोर से लेते हैं तो वो 20 फीट के नीचे से ही लेते हैं तो वो शुद्ध ही आता है। पाइप ज्यादा लंबा नहीं भी डाले तो भी वो 20 फीट के नीचे जाके ही ऊपर आएगा, उसके पहले आता ही नहीं। तो आप अपने अपने घरों में थोड़ी सी व्यवस्था ये जरूर करो, बारिश का जितना भी पानी आपके छत पे गिरता है उसको इकट्ठा करो। अब छत आपकी ये है आरसीसी तो भी, नहीं तो टिन है तो भी, नहीं तो आपका वो खपरेल है, क्या कहते हैं उसको, कवेलू, उसकी भी है, कितनी भी किसी भी तरह की छत रहने दो, पानी इकट्ठा करो, पत्थर की हो तो भी। पानी के बारे में चिंता मत करो, वो जाएगा मिट्टी में, मिट्टी शुद्ध कर देगी सब। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद पानी का संकट इतना बड़ा होने वाला है कि जिस घर में ये नहीं होगा वो पानी ही नहीं पी सकेगा। सरकार थोड़े दिन में हाथ खींचने वाली है पानी की, वो कहेगी सब अपना अपना व्यवस्थापन खुद करो, तब आपको ये मजबूरी में करना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से करके चले तो अच्छा है, नहीं हो सकता क्योंकि उसको 8 से 10 लाख कोटी रुपए चाहिए, कहां से आएगा इतना पैसा, सरकार के बजट से दुप्पट है। तो हर साल के बजट में 5 लाख कोटी चाहिए, फिर ऊपर से 8-10 लाख कोटी, कैसे होने वाला है? तो वो कल्पना में ही है, नदी जोड़ो प्रकल्प वास्तव में नहीं हो सकता, और दुनिया का कोई देश कर्ज देने को तैयार नहीं उसके लिए, और देगा भी तो उसका ब्याज इतना भरना पड़ेगा कि थोड़े दिन में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को अपना अपने पानी का व्यवस्थापन खुद करना है, शेत में हो तो, घर में है तो, छारपन है तो उबाल के पियो, बस इतना ही है। वो तो पीते ही पता चल जाता है टेस्ट से पता चलेगा, और वो एक लिटमस पेपर आता है उससे भी पता चल जाता है। ठीक है, 4 नियम थे पानी के, उसमें 3 है, और नहीं बल्कि 4 ही पानी के नियम। ठीक है, थोड़े दिन पहले सुनामी आया था, आपने सुना? और सुनामी आया तो मैं और मेरे कुछ दोस्त सहयोगी मिलकर सेवा कार्य करने के लिए अंडमान निकोबार गए थे। लगभग 1 महीने हमने वहां सेवा कार्य किया था। क्या सेवा कार्य किया था? वहां के लोग जो भयंकर सुनामी से पीड़ित थे, उनको स्ट्रेस बहुत था, मेंटल स्ट्रेस, और अक्सर ऐसे बड़े दुर्घटनाओं में स्ट्रेस होता है, और उसकी दवा सबसे अच्छी होम्योपैथी में है। मैं थोड़ा होम्योपैथी जानता हूं, तो मेरे होम्योपैथी डॉक्टर दोस्तों को लेकर 1 महीने हमने वहां सेवा कार्य किया था। लगभग 3,500 मरीजों को होम्योपैथी की दवाएं देकर मेंटल स्ट्रेस से बाहर लाया था। तो उस समय मैं जितने भी गांव में गया अंडमान निकोबार के, हर गांव में मैं एक प्रश्न पूछता था लोगों से, कितने लोग मरे? तो किसी गांव में 100 लोग, किसी में 150, किसी में 50, किसी में 70, किसी में 75। एक गांव में तो पता चला 1,500 लोग मर गए। अच्छा, ये प्रश्न पूरा होने के बाद दूसरा प्रश्न मैं जानबूझ के पूछता था कि आपके गांव में कितने जानवर मरे? तो पता चला एक भी नहीं। कुत्ता मरा? नहीं मरा। गाय मरी? नहीं मरा। भैंस मरी? नहीं मरा। बंदर मरा? नहीं। कौन जानवर मरा? एक भी नहीं। अच्छा, पक्षी कितने मरे? एक भी नहीं। और मनुष्य कितने मर गए? 36,000। कैसे मर गए? तो इसका उत्तर मुझे गांव के एक सरपंच ने दिया। आपको मालूम नहीं, मनुष्य मूर्ख होता है।
तो मैंने कहा इसका कहने का मतलब क्या है आपका? उन्होंने कहा मनुष्य महामूर्ख होता है, जानवरों को मनुष्य से ज्यादा अकल होती है। मैंने पूछा बता दीजिए मुझे, सिद्ध कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं बताता हूं। वो सरपंच मुझे मिला अंडमान निकोबार के एक गांव में, उस गांव का नाम है बंबू फ्लैट। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वहां से 60 मील नॉटिकल मील समुद्र में अंदर एक टापू है, टापू पर ये गांव। तो सरपंच ने कहा कि देखो मैं आपको बताता हूं, जब सुनामी आया उससे 2 दिन पहले मेरे कुत्ते को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया उससे 2 दिन पहले मेरी गाय को मालूम था सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया तो मेरी भैंस को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया तो मेरे घर के चूहों को, ऊंदर को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया तो बिल्ली को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया तो कीड़ी, चींटी, आंट्स को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। लेकिन हम मूर्खों में से किसी को नहीं मालूम था कि सुनामी आ रहा है। आपको मालूम है भारत सरकार ने अंतरिक्ष में कितने सैटेलाइट छोड़े हैं? उनकी संख्या धीरे धीरे अभी 56 हो गई है। हजारों करोड़ रुपए इन सैटेलाइट पे हर साल खर्च होता है, और उसमें से कुछ सैटेलाइट सिर्फ इस बात के लिए हैं कि वो समुद्र में होने वाली हर गतिविधि को ध्यान में रखें। तो सारे सैटेलाइट फेल हो गए, हजारों करोड़ रुपए वाले, बता नहीं सके कि सुनामी आ रहा है। और हमारे घर के आसपास रहने वाले ये जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीड़ी, चींटी, गाय, भैंस, इन सबको मालूम था 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले सुनामी आ रहा। तो मैंने पूछा इनको कैसे मालूम था? तो सरपंच ने कहा कि देखिए बात यह है कि सुनामी जिस दिन आया उससे 2 दिन पहले मेरा कुत्ता भाग गया, गाय चली गई, भैंस चली गई। मैंने कस के पकड़ के गाय को रस्सी बांधी थी, रस्सी को तोड़ के चली गई। मेरे घर में एक बंदर था, वो भी चला गया। 2 दिन मुझे घर में चींटियां नहीं दिखाई दी जो रोज निकलती, ऊंदर नहीं आया, वो भी कहीं चले गए, बिल्ली नहीं आई, वो भी कहीं चले गए। तो मैं समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो वो सरपंच ने कहा कि मैं भी चला गया घर छोड़कर, तो मैं बच गया और मेरे घर में से कोई दूसरा नहीं बचा। तो सरपंच ने मुझे एक बात कही कि आप कहीं भी जाना, लोगों को बताना कि सुनामी में एक भी जानवर नहीं मरा, मनुष्य 36,000 मरे। इसका माने मनुष्य की अकल कम है, जानवरों की उससे ज्यादा है। इन जानवरों को ईश्वर का दिया हुआ कोई वरदान है या सिक्स्थ सेंस है जिससे ये पता कर लेते हैं। और जानवरों में सबसे पहले पता जिसको होता है वो ये कुत्ता ही होता है। और हमारे मूर्ख महानगर पालिका के अधिकारी इन्हीं कुत्तों को मारने में लगे हुए हैं गांव का। कल्पना करो सब कुत्ते खत्म हो गए तो दोबारा सुनामी आएगा तो बताने वाला कोई नहीं होगा। हम इन जानवरों को कमतर समझते हैं। तब मेरी उसकी आखिरी जो संवाद हुई सरपंच की, तो वो बहुत ही मजेदार थे। सरपंच ने कहा कि आप सब शहर वाले गाली देते हैं कि तू कुत्ता है, आप शहर वाले गाली देते हैं तू गधा है, आप शहर वाले गाली देते हैं कि तेरी बुद्धि भैंस की है। आगे से नहीं कहना ये, आगे से कहना तू आदमी है, तुझको अकल नहीं है, समझता नहीं है। और जितना ज्ञान उस सरपंच ने मुझे दिया मैं अभिभूत हो गया उससे। मैंने चलते चलते सरपंच को पूछा भाई तुमको ये ज्ञान कहां से मिला? तो उसने कहा कि ये ज्ञान हर एक व्यक्ति को मिल सकता है अगर आंखें खुली रखे, कान खुले रखे। तो ये परिस्थिति जो पूरी हमारी है, पर्यावरण, इसमें ये ज्ञान भरा पड़ा है। मैंने पूछा थोड़ा दे दो मुझे भी, तो उसने कहा लिख लो और कभी भी टेस्ट कर लेना, फेल नहीं होगा। ये सैटेलाइट फेल हो जाएगा, ये फेल नहीं होगा। उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आज तक मैं परीक्षण कर रहा हूं और सही सिद्ध हो रहे। वो कहता है कि अगर चींटी, कीड़ी ज्यादा संख्या में बाहर निकले
और खाना इकट्ठा करके ले जाने की कोशिश करें तो समझना बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, बाढ़ आने वाली है, फ्लड आने वाली है। और ये जो मुंबई में अभी थोड़े दिन पहले फ्लड आया ना, फ्लड आने से 2-3 दिन पहले मुंबई के बहुत घरों से ये जानकारी मैंने कंफर्म की और उन्होंने कहा बात आपकी बिल्कुल सही है, 2-3 दिन पहले ढेर सारी चींटियां निकली थी और सब खाना ले ले जाके इकट्ठा कर रही थी। चींटी का स्वभाव है कि वो कभी भी इकट्ठा नहीं करती कुछ भी, लेकिन इकट्ठा वो जब करती है तो समझना कोई बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। मुंबई की फ्लड के बारे में सैटेलाइट फेल था, मौसम विभाग फेल था, सब फेल थे, लेकिन चींटी ने बराबर अपना हिसाब रखा। वो सरपंच ने कहा कि देखो कोयल, कोयल अगर कभी घोंसला बनाए अपना तो समझना भयंकर बाढ़ आने वाली है, क्योंकि कोयल का स्वभाव है अपना घर नहीं बनाने का, वो कौए के घर में अपना अंडा देती है, लेकिन अपना घर बनाए तो समझ लो कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। और उसने ऐसी मुझे बीसियों बातें बताई, बकरी के बारे में, भेड़ के बारे में, गाय के बारे में, कुत्तों के बारे में, और वो सब बातें पिछले कई महीने से मैं देख रहा हूं जगह जगह एक एक सच निकल रही है। इसका माने इन जानवरों को हमसे ज्यादा सेंस है और इनकी प्रकृति की व्यवस्था को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। और हम हिंदुस्तानियों में सबसे पहले अगर किसी एक व्यक्ति को यह बात समझ में आई थी तो वो थे भगवान महावीर, उनको यह समझ में आ गया था। मैं आपको एक और छोटा सा माहिती देता हूं, हसु संगनी हसु मूत्र का कृषि में जास्ती से जास्ती प्रयोग करने से भूमि स्वस्थ होता है। भूमि स्वस्थ होने से, सॉइल स्वस्थ होने से, मिट्टी स्वस्थ होने से उत्पन्न जास्ती होता है। इधर रीति है हसु संगनी हसु मूत्र का मनुष्य शरीर को प्रयोग करने से मनुष्य शरीर भी स्वस्थ होता है। मनुष्य शरीर को 148 रोग होता है, 148 रोग मनुष्य शरीर को होता है, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल निमोनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कफ, कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस आदि आदि 148 डिसीज मनुष्य शरीर को होता है। और डिसीज होने का कारण क्या है, जब भी मनुष्य शरीर हमारा रेजिस्टेंस पावर में कम होगा, हमारा प्रतिरोधक शक्ति कमी होगा तो हमको रोग होगा 100%। और जब भी हमारा प्रतिरोधक शक्ति जास्ती है तो हमारा शरीर निरोगी होगा। हसु मूत्र प्रतिरोधक शक्ति को जास्ती करने का बेस्ट मेडिसिन। हसु मूत्र से मनुष्य शरीर का प्रतिरोधक शक्ति बहुत जास्ती होता है, बहुत। तो कभी भी आपको लाइफ में कभी भी कुछ रोग हुआ तो वो रोग समाप्त करने के लिए हसु मूत्र लेना, हसु मूत्र बेस्ट मेडिसिन। उदाहरण के लिए आपको डायबिटीज हुआ, डायबिटीज में डेली प्रति दिवस 50 मिलीग्राम हसु मूत्र बेड़गे मॉर्निंग में लेना, स्वल्प स्वल्प उसको पीना 50 मिलीग्राम हसु मूत्र डेली आप जब भी बेड़गे मॉर्निंग में लेना शुरू करेंगे, मैक्सिमम मूर्तिंगड़ा आप उसको जब भी लेंगे तो डायबिटीज तो क्योर हो जाएगा। डायबिटीज को क्योर करने का दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है, वो हसु मूत्र से क्योर होता है। और हसु मूत्र का साथ में अगर यदि डायबिटीज को और जल्दी क्योर करना है तो हमारा किचन में, रसोई घर में, स्वयं पाक घर में वंदु औषधि है मेंथ्य बीज, स्वल्प मेंथ्य बीज वंदु गिलास नीर में मिक्स करना रात्रि को, और मॉर्निंग में बिड़ गए वो मेंथ्य बीज नीर उसको स्वसल्प स्वसल्प पीना, वंदु घंटे नंतर हसु मूत्र पीना 50 मिलीग्राम, तो मैक्सिमम वंदु तिंगड़ा 30 दिवस में आपको डायबिटीज क्योर हो जाए।
बाल सर, इधर रीति है आपको अस्थमा दमा, तो डेली 50 मिलीग्राम हसुमूत्र स्वसल्प स्वसल्प पीना मॉर्निंग में बेड़े, मैक्सिमम 30 दिवस में अस्थमा तो क्योर हो जाएगा। आपको यदि हार्ट अटैक हुआ है और ब्लॉकेज है और डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन आपको आवश्यक है, ऑपरेशन में 4 लाख रुपए खर्च होता है, 4 लाख रुपए, आपको यदि पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, तो बेस्ट मेडिसिन हसुमूत्र एंड सोरेकाई जूस, सोरेकाई रस, तो सोरेकाई थे ना ग्रीन कलर का, सोरेकाई कहते हैं, हाँ लौकी, लौकी 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 को सोरेकाई कहते हैं, हाँ यस, तो लौकी और सोरेकाई उसका जूस निकालना रस डेली 1-2 गिलास उसको पीना लंच के पहले, भोजन पूर्व भोजन मुंचे, और बेड़गे 50 मिलीग्राम हसुमूत्र लेना और लंच मुंचे 1-2 गिलास सोरेकाई जूस लेना, मैक्सिमम 2 मंथ्स माने 2 तिंगड़ा आप लेंगे तो आपको हर्ट का ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा, ऑपरेशन का आवश्यकता है। इधर रीति आपको यदि मूड व्याध बवासीर बगंदर पाइल्स हेमोरॉइड्स ऐसा कोई भी डिसीज है तो रात्रि में 1-2 गिलास हसू हाल 1 स्पून हसू तूप को मिक्स करना, हसू हाल में हसू तूप मिक्स करना, और रात्रि में जब भी आप सोने के लिए जाते हैं शयन मुंचे स्वल्प स्वल्प उसको पीना और बिड़गे 50 मिलीग्राम हसू मूत्र पीना तो आपको पाइल्स हेमोरॉइड्स के सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशन का आवश्यकता है। आपका फैमिली में कोई ताई को प्रेगनेंसी है गर्भावस्था है और डॉक्टर बोलता है सीजेरियन करना है तो सीजेरियन का आवश्यकता नहीं, स्वल्प हसु संगनी स्वल्प हसु मूत्र दोनों मिक्स करना, नंतर खादी पट्टे में फिल्टर करना, एरड एरड टी स्पून वो ताई को पिलाना 15 निमिष में, एवरी 15 मिनट में एरड एरड टी स्पून पिलाना, तो मैक्सिमम 3 टाइम पिलाना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम मक्कड़ अपने आप गर्भ से बाहर आएगा, ऑपरेशन का आवश्यकता नहीं। मैं बंधु सागर ताई को ये एक्सपेरिमेंट किया, बेस्ट मेडिसिन हसु संगनी हसु मूत्र, और जब भी किसी ताई को प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ माहिती हुआ कि अभी गर्भावस्था है वही दिन से डेली 1-2 गिलास हसु हाल 1-2 टी स्पून हसु तूप रात्रि को मिक्स करके देना ताई को और बेड़गे हसु हाल का मसरू वो चांदी पात्र होता है ना सिल्वर पात्र, हाँ सिल्वर पात्र में हसु हाल को मसरू बनाना और बेड़गे हसु मसरू डेली रात्रि को हसु हाल हसु तूप बेड़गे हसु मसरू डेली ताई को देना तो कभी भी उसको ऑपरेशन का आवश्यकता नहीं होगा, विदाउट सीजेरियन उसको मक्कड़ उत्पन्न होगा और वो मक्कड़ को लाइफ में कभी भी पोलियो वैक्सीन का आवश्यकता नहीं होगा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का आवश्यकता नहीं होगा, वो एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त होगा। ये हसु तूप बेस्ट मेडिसिन, हसु हाल बेस्ट मेडिसिन, हसु मसरू बेस्ट मेडिसिन, ये सभी भारत देश में 3000 वर्ष मुंचे वंदु ऋषि चरक ऋषि ये सभी माहिती दिया, चरक ऋषि वंदु पुस्तक लिखा चरक संहिता, चरक संहिता में हसु मूत्र का 1140 एंड सूत्र है, चरक संहिता हसु मूत्र का 1140 एंड सूत्र है, क्या डिसीज में हसु मूत्र कभी लेना कितना लेना कैसे लेना, और चरक ऋषि बोलता है हसु मूत्र का साइड इफेक्ट नहीं है और हसु मूत्र का एक्सपायरी डेट भी नहीं है, आप उसको बिना किसी तकलीफ के बार बार ले सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ उसका एक्सपायरी डेट नहीं है,
और उसका कीमत भी नहीं है, फुकट में है एंड बेस्ट मेडिसिन। और वो मेडिसिन इतना अच्छा है, अभी अमेरिकन गवर्नमेंट हसु मूत्र को पेटेंट किया। 2003 में अमरीकी सरकार हसु मूत्र को पेटेंट किया, क्योंकि अमेरिका में हसु मूत्र से अभी मेडिसिन बनता है और वो मेडिसिन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आपको कभी भी आपका जीवन में कुछ भी रोग हुआ, हसु मूत्र बेस्ट मेडिसिन है, आप वो किसी भी रोग में ले सकते हैं। नहीं, अमेरिकन गवर्नमेंट ने अमेरिका में जो पेटेंट लिया है वो उनका अपना अमेरिका देश का है। नागपुर का गो अनुसंधान केंद्र ने भारत में पेटेंट लिया है, और यूएस पेटेंट उन्होंने जो लिया है वो यूएस में मार्केटिंग के लिए लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स में हम भारत का हसु का मूत्र का मेडिसिन बना के बेच सकें उसके लिए लिया है। रिसर्च पेटेंट अमेरिकन गवर्नमेंट का है और उनका साइंटिस्ट ने 2003 में वो पेटेंट किया है। तो कभी भी आपको जीवन में कुछ भी डिसीज हुआ, वो डिसीज को क्योर करने का बेस्ट मेडिसिन हसु मूत्र। सपोज आपको स्किन डिसीज हुआ, एक्जिमा सोराइसिस, उत्सव हसु मूत्र हसु संगमी दोनों मिक्स करके उसको मालिश करना, तो एक्जिमा क्योर होता है, सोराइसिस क्योर होता है। कोई भी डिसीज हो, मक्कड़ का डिसीज है और ताई का डिसीज है, किसी का भी डिसीज हो, हसु मूत्र से सभी डिसीज क्योर हो सकता है, माहिती होना हमको है। बस इसमें सावधानी एक करना है कि जब भी हसु मूत्र लेना है तो स्वदेशी हसु मूत्र ही लेना, और स्वदेशी हसु में भी बेस्ट क्वालिटी मूत्र होता है। जो हसु कभी माँ नहीं बना, ताई नहीं बना, वो हसु का मूत्र सबसे अच्छा होता है। जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुआ वो हसु का मूत्र सबसे अच्छा होता है, डिसीज के लिए, कोई भी रोग के लिए आप उसको सबसे अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ये विषय में 8 वर्ष से मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, हसु मूत्र हसु संगनी, और बंदनूर नलवर टेन डिसीज का मैं एक्सपेरिमेंट कर लिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है हसु मूत्र का। अभी हल्ली हल्ली नगर नगर ये माहिती सबको देना तो भारत देश में क्रांति होगा। क्रांति क्या होगा, जब भी हसु हाल हसु मूत्र हसु संगनी सभी का कीमत जास्ती होगा, क्योंकि उसका वैल्यू जास्ती होगा, तो हसु कभी स्लॉटरिंग के लिए नहीं जाएगा। अभी भारत में प्रतिवर्ष 2.40 लाख हसु का स्लॉटरिंग होता है प्रतिवर्ष, और वो स्लॉटरिंग होता है इसलिए कि हसु हाल नहीं देता तो जो रईत वर्ग है उसको बेच देता है, और वो जो कसाई है उसको खरीदता है, फिर उसको स्लॉटरिंग करता है। मैं भारत का रईत नागरिक को ये समझाना चाहता हूँ कि हसु हाल नहीं देता परवाह नहीं, मूत्र तो देता है, संगनी तो देता है, और हसु मूत्र हसु हाल से जास्ती कीमती है। मेरा हल्ली में मैं ये जब स्टार्ट किया उत्तर भारत में, तो अभी मेरा हल्ली में हसु हाल 70 रुपये लीटर, हसु मूत्र 50 रुपये लीटर। अब उससे जब मेडिसिन बनता है, कैंसर मेडिसिन बनता है, डायबिटीज मेडिसिन बनता है, तो उसका कीमत हाल से जास्ती। तो हमारा गांव से अभी हसु बिक्री बंद हो गया, अभी कोई रईत नागरिक हसु बेचता नहीं, क्योंकि उसका मूत्र कलेक्ट करता है, वो मूत्र से मेडिसिन बनाता है, मेडिसिन मार्केट में बिकता है। तो आप कभी भी हसु मूत्र का आपका शरीर के रोग के लिए, देह रोग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये विषय में हम लोगों ने वंद पुस्तक बनाया, हसु मूत्र चिकित्सा, गोमूत्र चिकित्सा, वो कन्नड़ भाषा में भी है, वो पुस्तक आप चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ पर है। और वंद पुस्तक बनाया स्वावलंबी कृषि, हसु संगनी हसु मूत्र का प्रयोग करके कृषि कार्य में, ऐसा वंद पुस्तक। वंद पुस्तक बनाया स्वदेशी चिकित्सा, हमारा जो किचन है, स्वयं पाक घर है, उसमें बहुत सारा मेडिसिन है, मेंथे बीज बेस्ट मेडिसिन, उप बेस्ट मेडिसिन, हर्षित पाउडर बेस्ट मेडिसिन,
वो सभी मेडिसिन क्या क्या रोग में काम आता है उसका बंधु पुस्तक स्वदेशी चिकित्सा, ऐसा हमारा हदने भी पुस्तक बनाया कन्नड़ में, वो पुस्तक यहाँ में लाया है, आप चाहें तो लेना और उसका अभ्यास करके दूसरों को माहिती देना। और पुस्तक को हमारा कॉपीराइट नहीं है, सभी को कॉपी करने का राइट है, आप पुस्तक को रीप्रिंट कर सकते हैं, रीपब्लिश कर सकते हैं, हल्ली हल्ली नगर नगर उसका प्रचार कर सकते हैं। और ये विषय में हम लोगों ने बंधु सीडी बनाया, ऑडियो सीडी, 40 घंटे का उसमें उपन्यास है, वो सीडी आप ले सकते हैं, सुनकर दूसरों को सुना सकते हैं और इसका काफ़ी तेजी से प्रचार कर सकते हैं। हम लोग लास्ट 12 वर्ष से ये अभियान चलाते हैं और ये अभियान का उद्देश्य है भारत देश को स्वदेशी, स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण, निरोगी, निरामय देश बनाना। और भारत देश जब भी स्वदेशी, स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण, निरोगी, निरामय देश होगा तो भारतीय नागरिकों को सबसे जास्ते उसका लाभ होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग ये अभियान चलाते हैं। और ये अभियान स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी का ग्राम सेवाग्राम से, महाराष्ट्र सेवाग्राम से। अभी धीरे धीरे ये अभियान भारत के 12 राज्य में, मैक्सिमम 350 डिस्ट्रिक्ट में चलता है। और अभी हमारा भारत देश में 14,000 वॉलंटियर्स हैं जो इस अभियान में काम करते हैं। यह अभियान को हम लोग भारत देश का स्वावलंबन और स्वदेशी अभियान के साथ तो जोड़ दिया है और इसको आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। आप भी ये अभियान को प्रचार करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें आप तो निरोगी हो सकते हैं, आपका कृषि कार्य तो बहुत अच्छा हो सकता है, आमदनी जास्ती हो सकता है, खर्चा कमी हो सकता है और आप सुखी हो सकते हैं, आपका परिवार सुखी हो सकता है, फिर आपका गांव, आपका देश सुखी हो सकता है। यही उद्देश्य से हम लोग इसका प्रचार करते हैं। मुझे आपसे इतना ही कहना है, अगर कुछ प्रश्न होगा तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कन्नड़ में चाहे तो पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। हेलो, ಆಕಡೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಮೇಲ್ದು ಬಂದ ಬಿಸಿಲಿನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿರುಗದ ಅಷ್ಟು ಅದರ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿದಿರ್ಬಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚು और उनको बोलिए आंकड़ा मूत्र में भी जो उसका बछड़ी होती है फीमेल, वो सबसे अच्छी जर्सी आकड़ मात्र उपयोग जर्सी मैं उपयोग ಭಾರತ ಜರ್ಸಿ ಆಕಳಕ್ಕೆ ಸಪಾಟ್ ಇರ್ತದ ಅದಕ್ಕೇನು ಇರುದಿಲ್ಲ भारत सरकार ने 1994 वर्ष में बंधु एग्रीमेंट साइन किया, गेट एग्रीमेंट, गेट करार, WTO एग्रीमेंट, विश्व व्यापार संगठन समझौता। ये एग्रीमेंट में एरड सागर कंडीशंस और एरड सागर कंडीशंस में 50R कंडीशंस रईत वर्ग के लिए, फार्मर्स के लिए। उसमें
ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೈತ ಭಾರತ ಕಾ ರೈತ ನಾಗರಿಕ ಕೋ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಮೇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದೇತಾ ಹೈ ಔರ್ ವೋ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎರಡ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೋತಾ ಹೈ ಭಾರತ ಮೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ भारत का रईत नागरिक जब भी मार्केट में अपना कुछ भी कृषि उत्पन्न बिक्री करता है क्रॉप को सेल करता है तो वो टाइम पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य और ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ये अंतरराष्ट्रीय बाजार का इंटरनेशनल मार्केट से जास्ती होता है। उदाहरण के लिए भारत का रईत नागरिक को अभी कॉटन का कपास का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1500 रुपए क्विंटल है अप्रोक्सीमेट, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कॉटन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1500 रुपए क्विंटल है अभी ये टाइम अमेरिका में। अर्थ क्या हुआ, यदि भारतीय रईत नागरिक अपना कॉटन को एक्सपोर्ट करेगा तो उसको 1500 रुपए क्विंटल कीमत मिलेगा, लेकिन सेम कॉटन को वो भारत सरकार को बिक्री करेगा तो 1500 रुपए क्विंटल प्राइस मिलेगा। अर्थात भारत सरकार प्रति क्विंटल को 500 रुपए जास्ती प्राइस देता है, ये तो सब्सिडी है, दिस इज डायरेक्ट सब्सिडी। इधर रीति है बंद इनडायरेक्ट सब्सिडी। इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होता है, भारत का रईत नागरिक जो रासायनिक गोबर मार्केट से खरीदता है यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट उसका जो मार्केट प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस से कम होता है। उदाहरण के लिए यूरिया का मार्केट प्राइस एमआरपी 560 रुपए क्विंटल, लेकिन यूरिया का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्री में मिनिमम 1500 रुपए क्विंटल है। कारखाने में फैक्ट्री में यूरिया का जब उत्पादन होता है तो 1500 रुपए क्विंटल उसका प्राइस है और मार्केट में 560 रुपए क्विंटल प्राइस है। तो सरकार क्या करता है, यूरिया बनाने वाला कंपनी को फैक्ट्री को अपना बजट से पैसा देता है तो यूरिया का भाव कम कराता है, दिस इज इनडायरेक्ट सब्सिडी। अभी गेट करार का फर्स्ट कंडीशन है कि रईत नागरिक को ये जो सब्सिडी है इसको खत्म करना, समाप्त करना। फर्स्ट ईयर में 24% कट करना, 24 सैकड़ा, नेक्स्ट ईयर में अगेन 24 सैकड़ा कम करना, ऐसा 4-5 वर्ष में टोटल सब्सिडी शून्य। सब्सिडी शून्य होने का दुष्परिणाम क्या, सब्सिडी शून्य होने का दुष्परिणाम यूरिया का प्राइस 1500 रुपए क्विंटल, डीएपी प्राइस 2500 रुपए क्विंटल, सुपरफॉस्फेट प्राइस 1500 रुपए क्विंटल। अभी यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट बहुत महंगा होगा जब ये गेट करार का कंडीशन आए। और दूसरा दुष्परिणाम क्या होगा, रईत नागरिक जो वस्तु मार्केट में बिक्री करता है उसको सरकार भाव नहीं देगा, इंटरनेशनल प्राइस पे खरीदना बेचना, जास्ती कीमत नहीं मिलेगा। तो कृषि उत्पन्न को जास्ती कीमत मिलेगा नहीं, यूरिया डीएपी को कीमत बहुत जास्ती होगा, तो रईत नागरिक दुष्चक्र में फंसेगा, ऐसा तो गेट करार का कंडीशन। ऐसा एरडने कंडीशन गेट करार का, भारतीय रईत नागरिक जो भी वस्तु उत्पन्न करता है वो वस्तु प्रदेश से इंपोर्ट करना, जबरदस्ती इंपोर्ट करना, जरूरत नहीं फिर भी इंपोर्ट करना, उदाहरण के लिए विदेशी अक्की इंपोर्ट करना, विदेशी जवारी इंपोर्ट करना, विदेशी सोप्पू इंपोर्ट करना, विदेशी रागी इंपोर्ट करना, सभी कुछ विदेशी कपास इंपोर्ट करना। अभी विदेश से हम जब कुछ इंपोर्ट करेंगे तो परिणाम क्या होगा, भारतीय बाजार में वस्तु जास्ती होगा, डिमांड कम होगा, सप्लाई जास्ती है डिमांड कम है। अभी सप्लाई जास्ती डिमांड कम है तो प्राइस और गिरेगा, तो रईत नागरिक को भयंकर हानि। मूर्ने कंडीशन गेट करार का, रईत नागरिक अभी जो सीड्स उत्पन्न करता है वो सभी राइट्स उसका समाप्त हो गया, अभी रईत नागरिक सीड्स उत्पन्न नहीं कर सकता।
यदि वो सीड्स उत्पन्न करेगा तो पुलिस उसको जेल भेजेगा मिनिमम 6 मंथ्स के लिए। अभी सीड्स उत्पन्न करने का अधिकार सिर्फ कंपनी को है, बड़ा बड़ा कंपनी सीड्स बनाएगा, कारगिल, मोनसेंटो, माइको, पाइनियर, ये कंपनी सीड्स बनाएगा, रईत नागरिक नहीं बना सकता। ये तो गेट करार का मूर ने कंडीशन। नाल्क ने कंडीशन, रईत नागरिक को जो करंट मिलता है इलेक्ट्रिक करंट उसका मार्केट कीमत से कम प्राइस पे मिलता है। सपोज इंडस्ट्रीज को करंट मिलता है 5 रुपए यूनिट, 5 और 8 रुपए यूनिट इंडस्ट्रीज को, रईत नागरिक को मैक्सिमम 1.5 रुपए यूनिट मिलता है। अभी नेक्स्ट ईयर जब भी रईत नागरिक को सेम करंट प्राइस पे मिलेगा 5 रुपए यूनिट, 8 रुपए यूनिट, ऐसा रईत नागरिक के लिए आईवत आर कंडीशन WTO। इधर रीति है WTO का बंधु कंडीशन कि भारत देश का टैक्स स्ट्रक्चर विदेशी टैक्स स्ट्रक्चर जैसा करना, भारत में जो टैक्स लेने का पद्धति है वो विदेशी पद्धति लाना, तो विदेश में जास्ती से जास्ती देश में वैल्यू एडेड टैक्स आता है तो भारत में भी वैल्यू एडेड टैक्स लाना। तो भारत सरकार अभी 1 अप्रैल 2005 से वैल्यू एडेड टैक्स शुरू किया। अब उसमें समस्या क्या होगा, वैल्यू एडेड टैक्स जो है मूल्य वर्धित कर वो बार बार लगने वाला टैक्स है। सपोज ये तो बंधु पेन है, अभी ये पेन कोई फैक्ट्री में बनेगा, जब भी पेन बनेगा उस पर फर्स्ट टैक्स लगेगा, जब भी ये पेन को फैक्ट्री से स्टॉकिस्ट को बिक्री होगा देन सेकंड टाइम इसको टैक्स लगेगा, स्टॉकिस्ट से रिटेलर को सेल होगा और डिस्ट्रीब्यूटर को सेल होगा थर्ड टाइम टैक्स लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से एरिया रिटेलर को सेल होगा तो फोर्थ टाइम टैक्स लगेगा, एरिया रिटेलर से सब रिटेलर को सेल होगा फिफ्थ टाइम टैक्स लगेगा, रिटेलर से शॉपकीपर को सेल होगा सिक्स्थ टाइम टैक्स लगेगा, शॉपकीपर से ग्राहक को मिलेगा तो सेवन्थ टाइम टैक्स लगेगा। तो ये पेन को 7 टाइम टैक्स लगेगा, वैल्यू एडेड टैक्स, ये बार बार टैक्स, जब भी ये बिक्री होगा इसको टैक्स लगेगा। पहले भारत में क्या था, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स जो है बंद बिक्री को लगने वाला टैक्स, एक बार बिक्री होगा टैक्स लगेगा। अभी वैल्यू एडेड टैक्स बार बार बिक्री को लगने वाला टैक्स, तो अभी सभी वस्तु महंगा होगा और उसका दुष्परिणाम भारत का साधारण नागरिक को होगा। तो ऐसा खराब खराब कानून नियम अभी इस देश में बनता है। गेट का कंडीशन में एरेड सागर शर्त है, एरेड सागर शर्त के लिए डेली डेली एक एक कानून बनता है और ये नया कानून देश को एकदम गुलामी में फंसाने वाला है। इसलिए हम लोग ने भारत देश में गेट और वैट दोनों का विरोध में अभियान चलाया, वो अभियान का नाम हम लोगों ने हिंद स्वराज अभियान रखा। हिंद स्वराज क्यों, क्योंकि अभी भारत देश में जो कानून बनता है सभी विदेशी कानून बनता है, तो भारत का भी आजादी तो गया, अभी स्वराज्य लाने का काम तो करना। जैसे भारत में पहले अंग्रेजों का सरकार था तो सभी कानून लंदन में बनता था विदेश में, अभी ऐसा ही हो गया। अभी भारत में क्या है, जो भी कानून है सब अमेरिका में बनता है, WTO का ऑफिस जिनेवा में बनता है और भारत में उसको लागू करता है। भारतीय संसद और भारतीय विधानसभा वो कानून का बहस नहीं करता, सब कुछ बाहर से आता है। तो ये हमारा देश का स्वराज्य के लिए बहुत खराब है। तो हम लोग हिंद स्वराज अभियान शुरू किया, जैसे गांधी जी ने किया था 1930s में अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए, भारत में गांधी जी हिंद स्वराज अभियान किया। अभी हम लोग ये जो नया अंग्रेजी शासन आया है अमरीकी शासन, उसको समाप्त करने के लिए फिर से हिंद स्वराज अभियान शुरू किया। तो गेट वैट WTO conditions, सभी जो आ रहा है उसके खिलाफ हम लोग काम करते हैं और उसके लिए जन जागृति करना। जन जागृति में सबसे पहला छोटा सा काम क्या करना, कर्नाटक चीफ मिनिस्टर्स को पत्र लिखना और उसको बोलना
हमको वैट का आवश्यकता नहीं, हम वैट का निषेध करते हैं, हम गैट का निषेध करते हैं। ऐसा साविरारू पत्र चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, पूरा देश से हम लोग लिखने का अभियान चलाते हैं। इस अभियान में सरकार को दबाव डालना है ताकि सरकार ये सभी को विड्रॉ करे और इसको छोड़ दे, बंद करे, रद्द करे। नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस करने के लिए अभी सरकार के खिलाफ जाने वाले हैं। वैट का केस तो हमने किया, दिल्ली हाई कोर्ट में किया, कलकत्ता हाई कोर्ट में किया, गैट का केस भी हमने सुप्रीम कोर्ट में किया है, लेकिन भारत का जो दूसरा राज्य है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, वहाँ भी अभी हम केस करने का तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे करके पूरे देश में ये अभियान अभी चलता है। आप भी इस अभियान में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें तो अच्छा। सबसे बड़ा सपोर्ट आप कर सकते हैं, 50 पैसे का, 50 पैसे का पोस्ट कार्ड आता है, वो चीफ मिनिस्टर को भेजना। हम वैट का निषेध करते हैं, गैट का निषेध करते हैं, वैट कैंसिल करो, गैट कैंसिल करो। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को भेजना। और साविरारू पत्र भारत का हल्ली हल्ली, नगर नगर से जाएगा तो सरकार को बहुत प्रेशर आएगा और सरकार फिर उसको कैंसिल करेगा। ऐसा ये हम लोग करते हैं। इसका डिटेल अगर आपको माहिती चाहिए तो मैं बंद ऑडियो सीडी बनाया गैट का, और बंद ऑडियो सीडी वैट का, वीडियो सीडी भी बनाया, ऑडियो सीडी भी, वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं। और मूर्तास का गैट का सीडी है, मूर्तास का वैट सीडी है, वो आप सीडी प्लेयर में डाल के देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका कॉपी करके दूसरों को माहिती दे सकते। क्यों साइन किया? भारत सरकार बहुत जास्ती विदेशी साल लिया है और वो विदेशी साल का प्रेशर में गेट एग्रीमेंट साइन किया। अभी विदेशी साल का इतना जास्ती दबाव है कि साल का बड्डी देने के लिए साल लेना पड़ता है। तो जहां से आप साल लेते हैं उसका सभी कंडीशन फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो भारत सरकार पाश्चिमात्य देशों से साल लेती है, वो सभी देश का कंडीशन है, गेट साइन करो, बैट साइन करो, इसलिए सरकार ये करती है। सरकार को अभी, सरकार को कोई फ्रीडम नहीं है। अभी सरकार को वही करना है जो गेट एग्रीमेंट में लिखा है। अभी और कोई फ्रीडम सरकार को नहीं है। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना, मनमोहन सिंह, अभी पार्लियामेंट में उपन्यास किया, बजट सेशन, वो बोला कि वी आर द स्लेव्स ऑफ WTO एग्रीमेंट, सो वी हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी प्रिंसिपल ऑफ दिस WTO एग्रीमेंट। अभी तो हम WTO का गुलाम है, इसलिए हम, वो डायरेक्ट बोला, साफ साफ बोला संसद मनमोहन सिंह। अभी हाँ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं एग्रीमेंट को, लेकिन एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए विदेशी साल लेना बंद करना पड़ेगा, और विदेशी साल लेना बंद करने के लिए पॉलिटिशियन सभी तैयार नहीं। वो सभी बोलता है साल लेना लेना लेना। अभी तो पॉलिटिशियंस ऐसा कर दिया है कि भारत का ग्राम पंचायत भी विदेशी साल ले रहा है। कर्नाटक भारत का पहला राज्य है जिसका ग्राम पंचायत विदेशी साल लेना प्रारंभ किया। अभी 2005 में कर्नाटक का बंधु ग्राम पंचायत पुत्तूर ग्राम पंचायत, दक्षिण कन्नड़ जिला, दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट का बंधु ग्राम पंचायत पुत्तूर 2005 में $60 करोड़ विदेशी साल लिया। वो ग्राम पंचायत का सरपंच को मैं भेंट किया और उसको प्रश्न किया, तुम ये साल वापस कैसे देगा? उसने कहा परवाह नहीं, मैंने पूरा ग्राम पंचायत मॉर्गेज कर दिया, गिरवी रख दिया पूरा ग्राम पंचायत। ऐसा भी होता है। और दक्षिण कन्नड़ जिला का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मैंगलोर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो $100 करोड़ विदेशी साल लिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से। वो कॉरपोरेशन का चेयरमैन को मैं भेंट किया और प्रश्न किया, तुम ये साल का क्या करेगा? वो बोलता है हम पाइपलाइन डालेगा ये साल से, पाइपलाइन। पाइपलाइन किसके लिए? नीर सप्लाई करने के लिए।
मैं उसको बोला नीर कहाँ से आएगा, तो डैम से आएगा। डैम कहाँ है? डैम नहीं है, पाइपलाइन अभी डाल रहा है। डैम नहीं है, पाइपलाइन डाल रहा है। डैम कभी बनेगा माहिती नहीं है। अरे नूर कोटी डॉलर का साल लेके पाइपलाइन डालता है, डैम नहीं है, नीर आएगा नहीं और पाइपलाइन पड़ रहा है। अभी साल रुपये कैसे करेगा? वो बोला मैं मैंगलोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मॉर्गेज कर दिया, गिरवी कर दिया, अभी रुपये करने का तो सारा प्रॉपर्टी सेल होगा। ऐसा हमारा देश में चलता है। अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साल लेता है, ग्राम पंचायत साल लेता है, राज्य सरकार साल लेता है, केंद्र सरकार साल लेता है, साल का बड्डी देने के लिए साल लेता है। तो जो साल देने वाला एजेंसी है उसका सभी कंडीशन मानना तो अभी मजबूरी है, इसलिए अभी कोई फ्रीडम नहीं है। अभी जो वो साल देने वाला देश बोलता है वही सरकार करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं हिंद स्वराज अभियान अभी चलाना, भारत का स्वराज्य लाना। स्वराज्य भी गया, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ले लिया स्वराज्य हमारा, अभी ये साविरारू विदेशी कंपनी प्लस वर्ल्ड बैंक प्लस IMF प्लस एशियन डेवलपमेंट बैंक प्लस WTO गेट, ये सभी मिलके हमारा स्वराज्य ले लिया। इसलिए स्वराज्य का फिर से अभी संघर्ष शुरू करना, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट के ऊपर कुछ प्रभाव डालेगा? हाँ डालेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने भारत देश का 44 लाख नागरिक से गैट करार का विरोध में सिग्नेचर कलेक्ट करके पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। हमारा पिटीशन अभी एडमिट हुआ, उसमें अभी जजमेंट आएगा थोड़े दिन में। यदि हम जीत गए तो सरकार को गैट एग्रीमेंट कैंसिल करना पड़ेगा। इसी तरह से हम लोगों ने अभी बैट के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट किया और उत्तर भारत में 9 स्टेट्स में अभी तक बैट नहीं आया, 9 स्टेट्स में वैट नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो जो कैंपेन हुआ इतना विरोध हुआ कि वहाँ अभी वैट नहीं है। तो हमारा उम्मीद है बाकी राज्यों में भी वैट कैंसिल हो सकता है। थर्ड, हम तो एक और कैंपेन करते हैं अभी भारत का बहुत सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, रहित नागरिकों का ऑर्गेनाइजेशन और हमारा देश का कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, सबको एक साथ लेकर बंद फ्रंट बनाते हैं और वो फ्रंट का ताकत से नेक्स्ट ईयर तो सरकार को सरेंडर कराना। तो ऐसा कई प्रयास हम लोग करते हैं और नेक्स्ट ईयर ये कार्य के लिए मैं पद यात्रा में जाने वाला, 2 अक्टूबर 2006 से मैं भारत देश का यात्रा में जाऊंगा पद यात्रा। और साविरारू ग्राम से, हल्ली से, नगर से सरकार को प्रेशर डालने के लिए सिग्नेचर कैंपेन पत्र भेजना। फिर दिल्ली में हम लोग बंद रैली करने वाले हैं और वो रैली में लक्ष मिनिमम 7 लाख भारतीय नागरिक पार्टिसिपेट करेंगे और हम पार्लियामेंट को पूरा घेर लेंगे कि अभी या तो ये करना नहीं तो कुर्सी छोड़ना। हमको ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, अभी या तो तुम छोड़ दो कुर्सी नहीं तो ये करने का, ऐसा प्रेशर डालने के लिए हम कोशिश करते हैं। और उसमें यप्पत ऑर्गेनाइजेशन अभी हमारे साथ आते हैं, 70 ऑर्गेनाइजेशन, उदाहरण के लिए कर्नाटक राज्य रहित संघ, ये काम में हमारे साथ में आता है। ऐसे ही उत्तर भारत का भारतीय किसान यूनियन, वो हमारे साथ में आता है, स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ, ऐसा ऐसा यप्पत ऑर्गेनाइजेशन ये काम में साथ आता है। तो उम्मीद है कि ये हो जाएगा। एक तो ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन सभी ऑर्गेनाइजेशन साथ में आएगा तो हो सकता है। अभी क्या है कि वो पिटीशन शुरू हुआ है, बहस होता है दिल्ली हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, थोड़े दिन में उसका जजमेंट आएगा। अगर हम जीतेंगे तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आएगा और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पूरे देश में वैट को चेंज कर सकता है। हमने उसमें कंडीशन लगाया कि भारत का सभी टैक्स समाप्त करो तभी वैट लाओ, क्योंकि दुनिया का सभी देश में वैट है तो दूसरा कोई भी टैक्स नहीं,
भारत में वैट के साथ अदिनाल्क टैक्स है तो वो समाप्त करना, वैट का मैक्सिमम लिमिट 6% करना, ऐसा उसमें 20 कंडीशन उसके आधार पर पिटीशन किया। हाँ कर सकते हैं। अभी क्या है कि हम पहले महाराष्ट्र में करने वाले पिटीशन, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक फिर आंध्र प्रदेश, ऐसा वन बाय वन करने वाले, लेकिन पहले ये दोनों पिटीशन का जजमेंट हम देखना चाहते हैं, उसके बाद वो करने वाले। हो जाएगा, क्योंकि जब ये कानून लागू होगा तो परेशानी बहुत होगा लोगों को, और जब ये जास्ती परेशानी होगा तो जास्ती लोग विरोध करेंगे, और जास्ती विरोध होगा